गुड मॉर्निंग अश्विनी। गुड मॉर्निंग मैम। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो लास्ट दिन हम लोग जो है कॉम्बिनेशन स्टार्ट किए थे और कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन का कुछ थ्योरम भी देखा कि कॉम्बिनेशन का पहले हम लोगों ने देखा कि बेस क्या है। बेस ये है कि कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, ओनली सिलेक्शन करते हैं। ओनली सिलेक्शन करने पर इसे कॉम्बिनेशन बोला जाता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है। अच्छा उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर जो फॉर्मूला बना हुआ है वो भी पढ़ा। एनसीआर होता है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, उसका कॉम्बिनेशन। ठीक है। एन सी आर इस तरह से लिखा जाता है और उसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल के साथ और भी कुछ थियोरम देखा जो कि हमें याद रखना चाहिए। एन सी जीरो वन होता है, एन सी एन वन होता है। एन सी जीरो वन इसीलिए होता है, सिंपल ही याद रखने का तरीका, जितने भी चीज है उसमें से अगर हम लोग कुछ भी नहीं सिलेक्ट करते उसका एक ही तरीका है, भाई मुझे ना बोलना है। एन सी एन मतलब जितने भी चीज अगर सारे सिलेक्ट कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ ऑर्डर तो मैटर नहीं करेगा कि ये कर ले वो कर ले, ऐसा तो नहीं है। अगर सारी चीजों को लेना है उसका भी एक ही तरीका होगा क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीमेंट्री रिलेशन देखा और उससे मैंने ये बताया कि कंप्लीमेंट्री रिलेशन से हम लोग शॉर्टकट कैलकुलेशन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारा कैलकुलेशन कुछ इस तरीके का हो तो ये मेन मेन चीज हम लोगों ने कॉम्बिनेशन में देखा था। आज हम लोग जो है बाकी चीजों को देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। तो पहला एग्जाम्पल वन, ये देखो एग्जाम्पल वन जो बोला है ये क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं क्या बोला है। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पोकर हैंड्स, पोकर हैंड्स इन ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स का मतलब जो ताश होता है ना, ताश बोलते हैं ना, ताश का गेम जो होता है वो 52 कार्ड्स रहते हैं उसमें। यहाँ पर बोला है पोकर हैंड्स। पोकर हैंड्स एक्चुअली देखो, पोकर हैंड्स अगर तुम लोग कभी खेले हो तो पता तो होगा ही। ठीक है। ये देखो पोकर हैंड्स में क्या होता है, हम दिखाते हैं यहाँ पर, ये देखो ये दिख रहा है, ये होता है पोकर हैंड्स रैंकिंग। पोकर हैंड्स का मतलब है हर एक प्लेयर के पास पांच पत्ते होने चाहिए, 1 2 3 4 5। देखो ये भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अगर किसी के पास पांच पत्ते हैं तो उसे बोला जाएगा पोकर हैंड्स। ठीक है। तो कोई भी खिलाड़ी के पास अगर पांच पत्ते होते हैं उसे बोलते हैं पोकर हैंड्स। अब ये अलग अलग तरीके का होता है। पोकर हैंड्स कैसे बनेगा, जैसे देखो यहाँ पर फोर ऑफ ए काइंड। ठीक है। मतलब यहाँ पर चारों जो है किसी एक तरीके से सिमिलर है, जैसे कि इक्का इक्का, ये सब शायद इक्का गुलाम, ऐसे करके मतलब जो भी प्रोसेस होता है ना खेलने का उस हिसाब से है। ठीक है। तो खेल अलग अलग तरीके से खेला जाता है। जैसे देखो ये भी इक्का है, इक्का इक्का मतलब ए है ना, ये इक्का है, फिर इसके बाद ये भी इक्का है, ये जे है, ये क्यू के के है शायद, के जे इक्का इक्का इक्का। तो ऐसे भी सेट अगर बनता है तो उसे पोकर हैंड बोलते हैं। अलग अलग पोकर हैंड्स का नाम होता है, जैसे ये देखो रॉयल फ्लश, यहाँ पर स्ट्रेट फ्लश, फोर ऑफ ए काइंड, थ्री ऑफ ए काइंड, मतलब तीन एक तरीके का, इक्का इक्का इक्का, बाकी दो अलग तरीके का होगा तो भी चलेगा। मतलब ये मैच गेम का रूल्स होता है, जैसे क्रिकेट का अपना होता है फुटबॉल का, तो वैसे अगर तुम लोग कभी खेले हो तो तुम लोग को भी पता होगा। ठीक है। तो ये पोकर हैंड्स का मतलब इतना समझो, अभी हमें जो मैथ्स के लिए जो जरूरत है, पोकर हैंड्स का मतलब एक साथ हाथ में पांच कार्ड होना चाहिए, लेकिन सिर्फ पांच होने से नहीं होगा, ऐसा कुछ तरीके से होना चाहिए। ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं पोकर हैंड्स, मतलब इस तरीके से। तो मेन बात ये हो गया कि पांच कार्ड एक साथ रहेगा तो पोकर हैंड्स होगा। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पोकर हैंड्स, कितने सारे अलग अलग पोकर हैंड्स हो सकते हैं इन ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। ठीक है। पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, अगर हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड है और जो ताश होता है ना, ताश एक एक जो पैकेट होता है उसमें 52 ताशेस, ताश जो है वही होता है, 52 कार्ड्स ही होता है। और 52 कार्ड्स कैसे होता है वो हम दिखा देते हैं। ये देखो टोटल कार्ड्स होता है एक पैकेट में 52। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स ये होता है 52। और कार्ड में क्या क्या रहता है ये देखो हम दिखाते हैं। एक होता है स्पेड। ठीक है। स्पेड होता है ये कुछ ऐसे देखने में होता है ऐसे।
ऐसे करके होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये जो ऐसा डिजाइन होता है कार्ड में, तुम लोग देख सकते हो, देखे होगे कभी ना कभी, इसे हम लोग बोलते हैं स्पेड, ठीक है। ये जो डिजाइन बना इसे हम लोग बोलते हैं स्पेड, इंग्लिश में स्पेड बोला जाता है। अच्छा, और एक तरीके का होता है, और होता है ऐसे, ठीक है, इससे हम लोग बोलते हैं हार्ट, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। जब हम लोग क्या बोलते हैं उसे, प्रोबेबिलिटी करेंगे, तब भी ये कार्ड वाला कंसेप्ट हमारा काम में आएगा। और एक होता है क्लब, क्लब मतलब जैसे जिसे चीड़ी भी बोलते हैं, हिंदी में चीड़ी बोलते हैं, ये ऐसा देखने में होता है, ऐसे इसमें तीन ऐसे पत्ते होते हैं, ठीक है, इसे बोला जाता है क्लब, इसे क्लब बोला जाता है, ठीक है। ये क्लब हो गया, और एक ऐसा, इसे बोलते हैं डायमंड, ठीक है, ये जो है इसे बोलते हैं डायमंड, और 52 कार्ड्स कैसे होता है पता है? ये जो स्पेड वाला कार्ड है वो क्या क्या होता है देखो, हम लिख के दिखाते हैं। हर एक सेट, मतलब कैसे बोले, ये जो दिख रहा है स्पेड का साइन, ऐसे स्पेड के साइन वाला क्या क्या कार्ड होता है? इक्का, हम तो इसे इक्का बोलते हैं, ए मतलब इक्का होता है, इक्का के, ठीक है, किंग, क्यू क्वीन, जे जोकर होता है, ठीक है, उसके बाद होता है 10, 9, 8, 7 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 बस, ठीक है। ये देखो इतना सारा होता है। वन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो इक्का है ना इसे ही वन माना जाता है, तो इक्का को चाहो तो नीचे लिख लो, लेकिन हम मैंने क्या किया, इक्के से ही स्टार्ट किया। ऐसे होता है के क्यू जे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 मतलब ये इक्का होता है, तो स्पेड के साइन वाला ये सारा कार्ड होगा, ठीक है। तो ये कितना सारा बन गया, अगर काउंट करके देखोगे, देखो यहाँ पर कितना सारा बन रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 13 कार्ड्स हो रहे हैं, ठीक है, ये कितने सारे कार्ड हो गए, 13। तो यहाँ पर लिखते हैं 13 नंबर कार्ड, ये 13 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है, ऐसे करके 13, 13, 13, 13, यानी कि 13 × 4 मतलब टोटल 52 कार्ड्स होता है। अच्छा, इसमें हार्ट वाला कौन कौन सा रहता है, इसमें भी सेम वही ए के क्यू जे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 अच्छा, ये भी 13 कार्ड हो गया, इसमें भी वही ए के क्यू जे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये डायमंड का ऐसे रहेगा, ऐसा भी सेम 13 कार्ड होता है, ए के क्यू जे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ठीक है, ऐसा कार्ड होता है। तो ये तो पोकर हैंड्स तो मैंने समझा दिया कि पोकर हैंड्स कब होता है, तो अगर एक हाथ में 5 कार्ड हो एक स्पेसिफिक तरीके से, ठीक है, और सिर्फ कार्ड देखोगे तो ये देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, तो दिखाते हैं शायद यहाँ पर दिख जाए, ये देखो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, ये देखो ऐसे साइन वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पर 10, 11, 12 और ये वाला भी है, ये वाला भी 13 ठीक है, ऐसे करके 13, 13 ये देखो अब डायमंड साइन वाला है 1 से लेके 13 ठीक है, 1 से लेके 13 क्योंकि सेम तरीके से है ना, तो यहाँ से यहाँ अगर 13 है तो यहाँ से यहाँ भी 13 है, ये देखो हार्ट शेप वाला यहाँ से लेके यहाँ 13 और यहाँ से
ये कौन सा हो गया, ये हम लोग का हो गया जो है स्पेड, ठीक है, स्पेड साइन वाला, यहाँ से लेके ऐसे 13 इस तरह से कार्ड होते हैं, तो टोटल 52 कार्ड होता है एक पैक ऑफ कार्ड, जो भी कार्ड रहता है उसमें। अच्छा, अब कलर दो होता है, कलर हमेशा रेड और ब्लैक, ये दो ही कलर होता है, देख सकते हो ये बीच का दो दिख रहा है, रेड कलर का होता है और ये दो ब्लैक कलर का होता है, मतलब ये स्पेड और उसके साथ ये क्लब, ये नॉर्मली ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो कलर के हिसाब से अगर हम लोग देखें, कलर भी लिख लेते हैं, कलर हम लोग का दो तरीके का होगा, ब्लैक और रेड, तो यहां पर लिखते हैं कलर के बेसिस पे देखें, कलर हमेशा दो ही होता है, ब्लैक और रेड। तो बताओ कितने सारे ब्लैक कलर के कार्ड होंगे, कितने सारे रेड कलर के कार्ड होंगे, अगर टोटल 52 कार्ड्स है उसमें से आधा ब्लैक है आधा रेड है, अभी तो हम लोगों ने देखा ना, ये देखो ना यहाँ से देख के भी तो बता सकते हैं, आधा ब्लैक है आधा रेड है, तो ब्लैक कार्ड कितना है और रेड कार्ड कितना है, 26 26 20, हाँ ये देखो 26 ब्लैक कार्ड होगा 26 रेड कार्ड होगा, ठीक है। और नॉर्मली ब्लैक कौन कौन सा होता है, ब्लैक ये वाला होता है, ठीक है, ये जो है इसे बोलते हैं क्लब और ये जो है इसे बोलते हैं स्पेड, तो ब्लैक जो है वो नॉर्मली होता है स्पेड और क्लब, स्पेड और क्लब जो साइन रहता है वो होता है नॉर्मली ब्लैक, और रेड जो होता है वो हो जाएगा बाकी बचा हुआ दो, एक हर्ट और एक हो जाएगा डायमंड। तो एक बार पूरा ताश का गेम हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर कि कैसे करके होता है, तो ये याद रखो, ठीक है, अभी मैंने पूरा लिखवा दिया और जो हम लोग जब प्रोबेबिलिटी करेंगे तो फिर से और ये नहीं लिख पाएंगे, अभी अच्छे से ड्रॉ कर लो, ये वहां पर बहुत काम में आएगा, यहाँ भी काम में आएगा। तो यहाँ अभी हमारा जो क्वेश्चन है उसको पूरा करने के लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, देखो जो क्वेश्चन है उसमें ये बोला है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पोकर हैंड्स इन ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, तो 52 प्लेइंग कार्ड में पोकर हैंड्स कितने सारे बन सकते हैं, तो पोकर हैंड का मतलब क्या हो जाएगा, 52 प्लेइंग कार्ड का मतलब देखो यहां पर एग्जांपल नंबर वन, ठीक है, तो एन का मतलब 52, टोटल 52 कार्ड्स है, पोकर हैंड का मतलब वो मैंने पहले ही समझाया, पोकर हैंड का मतलब होता है जहां पर हम लोग एक बार में पांच कार्ड जो है हाथ में रखते हैं, ठीक है, तो आर का मतलब कितना हो जाएगा 5, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स और टेकन क्या बोलते हैं उसे, टेकन फाइव एट ए टाइम जितना सारा, ठीक है, तो टेकन फाइव कार्ड्स एट ए टाइम तभी पोकर हैंड्स होगा, तो इसीलिए आर का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो अगर हमें गेम के बारे में पता नहीं होगा तो फिर हम लोग ये नहीं पता कर पाएंगे कि आर हमें कितना लिखना है, और पोकर हैंड्स में हमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ठीक है, स्पेसिफिक वे में पोकर हैंड्स होने से ही बात, जैसे कि 3 एक कलर का रॉयल फ्लश हम लोगों ने अलग अलग देखा ना, हमें उतना डिटेल्स नहीं चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए कि पोकर हैंड्स मतलब एक हाथ में 5 कार्ड होना चाहिए, ठीक है, तो 5 कोई भी कार्ड रहेगा तो वो पोकर हैंड्स होगा, तो फिर फॉर्मूला क्या लगेगा 52C5, ठीक है, कॉम्बिनेशन ही क्यों हुआ, क्योंकि सिर्फ सिलेक्ट करना है, वहां ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, जैसे मान लो पोकर हैंड्स ऐसे बना है, इक्के वाला 3 कार्ड और बाकी के और जे, ये भी एक पोकर हैंड्स होता है, ठीक है, अभी मैंने दिखाया भी, तुम लोग चाहो तो देख सकते, लेकिन इसमें ऑर्डर से कोई मैटर नहीं होगा कि के आगे चला जाए जे पीछे चला जाए, ए ऑर्डर चेंज होने से कुछ स्पेसिफिक मैटर हो जाएगा, नहीं, ये परम्यूटेशन इसीलिए नहीं होगा। एग्जाम में देखो अभी तो हम परम्यूटेशन पढ़ा रहे, फिर कॉम्बिनेशन, तो तुम लोग को लगेगा सारा क्वेश्चन हमारा कॉम्बिनेशन का ही आएगा, हम लोग कॉम्बिनेशन आंसर दे देंगे, लेकिन ऐसा मत करो, लॉजिकली समझो कि क्यों कॉम्बिनेशन ही लगेगा, क्योंकि एग्जाम में तो मिक्स्ड अप क्वेश्चन रहेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हमें कॉम्बिनेशन से उसे सॉल्व करना है कि परम्यूटेशन से, और इसका एक सिंपल तरीका है, जब भी मैंने परम्यूटेशन का जितना भी क्वेश्चन करवाया मैंने ऐसे करके बोला था सिलेक्शन फिर ऑर्डर, ठीक है, सिलेक्शन और उसे अरेंज करना है, अरेंज करने का मतलब ऑर्डर चेंज होगा, बट यहां पर ऑर्डर चेंज से कोई मैटर नहीं करेगा, अगर ये ए ए के जे के जगह ऐसा हो जाता है के ए ए ए जे तो कुछ अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये भी जो पोकर हैंड है ये भी वही वाला पोकर हैंड ही कहलाएगा, ठीक है, इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा 52, इसमें परम्यूटेशन नहीं लग के इस पे कॉम्बिनेशन लगेगा, ठीक है, 52C5, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे,
ये देखो इसको हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे 52C5। हम लोग शॉर्टकट सीखे थे, शॉर्टकट में क्या था, नीचे का जो आर का वैल्यू रहेगा उसे हम लोग स्प्लिट करते हुए 1 तक जाएंगे, तो 5 4 3 2 1 शॉर्टकट यूज करना है, ठीक है। और ऊपर में जब स्प्लिट करेंगे, नीचे जितने सारे फैक्टर लगे हुए ऊपर भी उतने सारे ही लगाएंगे, तो हमारा सेम आंसर आएगा। अगर हम लोग पूरा फॉर्मूला यूज करके इलाबोरेट वे में करते तो भी सेम आंसर आता है, ठीक है। ये कैलकुलेशन की वजह से होता है, ये मैंने लास्ट दिन बताया। तो 1 2 3 4 5 पांच फैक्टर है, ऊपर भी पांच फैक्टर लगाओ, 52 51 50 49 48, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। अब कैलकुलेशन से बेटर है कि हम लोग यहां पर कैलकुलेटर पे ही देख लेंगे। 52 51 52 51 50 49 48 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ रहा है 25,98,960, ठीक है। ऐसे 52 कार्ड से पांच पांच कार्ड सिलेक्ट करके पोकर हैंड इतने सारे बन सकते हैं। चेक करते हैं, यहाँ पर 2,59,98 चेक कर लेते, 2,59,98,25,98,960 सेम ही है, 25,98,960 इन्होंने कॉमा यहाँ पर लगा रखा है, इसी वजह से। यहाँ पर देखो शॉर्टकट में ही सॉल्व किया है, ठीक है, शॉर्टकट में सॉल्व करने से जल्दी होगा। तो शॉर्टकट क्या था, नीचे का जो आर है उसको हम लोग 1 तक स्प्लिट करेंगे, चाहे वो कितना भी हो। हाँ, अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा होता है तो हम लोग इसे कंप्लीमेंट करके फिर उसका शॉर्टकट यूज करेंगे, ठीक है। और बाकी अगर फॉर्मूले से करते हैं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। फॉर्मूला क्या है, पहले करो 52PR, ठीक है, इसे फिर नीचे करो फैक्टोरियल आर, 52 का फैक्टोरियल, ये काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। 52 - 5 फैक्टोरियल, फिर इसमें लगाएंगे 1/5 फैक्टोरियल, तो ये इसमें काफी टाइम लगेगा। तो नीचे 5 फैक्टोरियल रह जाता है ना, इसीलिए बोला जाता है कि नीचे का आर ये लिख लो, और 52 - 5 करने से ये देखो 52 - 5 करने से 47 आता है। तो बेसिकली ये आंसर निकल के आता है कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर 52 को स्प्लिट करते हुए 47 तक हमें जाना पड़ेगा। 47 कैंसिल आउट, देखो मैंने यहाँ पर वही किया, 47 कैंसिल आउट। तो शॉर्टकट यही है कि हमेशा ऐसा ही कैलकुलेशन हमें देखने को मिलेगा, नीचे का ये रह जाएगा तो ये स्प्लिट हो गया, और 52 को अगर लिखेंगे तो 47 पे जाके रोक देंगे, ठीक है, और 47 के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 52 से लेके 48 तक लिखना पड़ेगा। तो ये सिंपल तरीका है, शॉर्टकट है, जो कि मैंने लास्ट दिन भी बताया था, लेकिन फिर से एक बार याद दिला दिया ताकि तुम लोग रिलेट कर पाओ। तो ये हमेशा शॉर्टकट से ही करो, शॉर्टकट से करोगे तो जल्दी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखो, लेट एस बी द कलेक्शन ऑफ 8 पॉइंट्स, ठीक है, एस कलेक्शन ऑफ 8 पॉइंट्स है इन द प्लेन विथ नो 3 पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। मतलब एस में कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, एस में कुछ पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स है, लेकिन कोई भी 3 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मैंने ऐसे 8 पॉइंट्स बना लिए, लेकिन कोई भी 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है। मैंने ऐसा कोई भी 3 पॉइंट नहीं लिया जो कि स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ठीक है, ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो मैंने ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं लिया कि जो स्ट्रेट लाइन में, अगर लग रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन में, चलो इसको ऐसे कर देते हैं। हम लोग को पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट हैव पॉइंट ऑफ एस एज वर्टिसेस, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड आउट करना है, कितने सारे ट्राइंगल्स बन सकते हैं दैट है पॉइंट ऑफ एस, मतलब एस में जितने सारे पॉइंट है वो सारे पॉइंट को लेते हुए हम लोग कितने सारे ट्राइंगल का मतलब होता है ये, ऐसे किसी भी शेप में अगर हम लोग कुछ भी बनाते हैं दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल, ठीक है, मतलब जो 3 लाइन से जो है कवर रहेगा दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल बन सकता है एस पॉइंट जो है कलेक्ट
करना है इसमें से, ठीक है। और एस वर्टिसेस, ए ऑफ एस एस वर्टिसेस का मतलब होता है ये देखो, जैसे ये बना दिए ना तो ये वर्टिसेस हो गया, ठीक है, ये तीन पॉइंट जो है वर्टिसेस बन जाता है, तो वर्टिसेस का मतलब ये हो गया। तो बेसिकली हमें ट्राइंगल बनाने के लिए बोला है कि एस में जितने सारे पॉइंट है उससे कितने सारे ट्राइंगल बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोलो कि पहला बात है कि कॉम्बिनेशन होगा कि परमुटेशन, ये हमें समझना चाहिए। तो हमें ये नहीं बोला है कि ऑर्डर मैटर करेगा, जैसे मान लो हम ये पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट सिलेक्ट करें, ये पॉइंट सिलेक्ट करें, अब ये तीनों पॉइंट को अगर हम ऐड करेंगे तो इससे क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा। लेकिन ये पॉइंट का सिलेक्शन, जैसे मान लो ये पॉइंट जो तीनों मैंने स्टार लगाए, मान लो ये पॉइंट कुछ ऐसा है, नाम दे देते हैं, जैसे मान लो ये पॉइंट का नाम है ए, इसका नाम है बी, ये सी है, ये डी है, ई एफ जी एच, ठीक है। मान लो मैंने ए पॉइंट ले लिया, सी पॉइंट ले लिया और बी पॉइंट ले लिया और ये तीनों को ऐड कर दिया, ए बी सी, ठीक है। अब अगर ए बी सी को जो सिलेक्ट किया उसका ऑर्डर अगर चेंज करते हैं तो कोई ट्राइंगल बदल नहीं जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसे सिलेक्ट किया ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, लेकिन अगर हम इसके जगह ए सी बी सिलेक्ट कर लेते हैं तो क्या ट्राइंगल बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं, ट्राइंगल वही रहेगा। ए सी बी भी बोल सकता है कोई इस ट्राइंगल को, कोई चाहे तो ए बी सी ट्राइंगल बोलेगा तो भी यही समझाया जाएगा, कोई अगर बोलेगा बी सी ए तो भी यही ट्रायंगल ही बताया जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल जो है एक ही रहेगा, तो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, हमें ये समझना है ना कि ऑर्डर मैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है तो कॉम्बिनेशन लगेगा, तो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में भी एन सी आर होगा। तो यहाँ पर एन कितना और आर कितना, सी तो मैंने लिख दिया, तुम लोग बताओ कि एन कितना आर कितना। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, हमें यहाँ पर क्या लेना है, पॉइंट लेना है, और ट्रायंगल बनाने के लिए एट ए टाइम कितने पॉइंट को सिलेक्ट करना है, तो एन कितना होगा और आर कितना होगा बताओ, बोलो एन कितना होगा और आर कितना होगा, बोलो एन कितना होगा और आर कितना होगा, एन मतलब तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, तो यहाँ पर थिंग्स तो पॉइंट्स है, तो मुझे बोलो एन कितना होगा और आर कितना होगा। आर मतलब एट ए टाइम जितने सारे पॉइंट हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो बोलो एन कितना होगा आर कितना होगा, बोलो गलत होगा तो कोई बात नहीं है, बोलो एन कितना होगा और आर कितना होगा। एन एट होगा, आर थ्री होगा, करेक्ट, एन एट होगा आर थ्री होगा। अब हम लोग इसे शॉर्टकट में कैसे करेंगे, नीचे जो थ्री है इसे हम लोग वन तक जो है फैक्टराइज करते जाएंगे, ऊपर भी तीन फैक्टर्स लिखेंगे, एट सेवन और सिक्स, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 56, तो एग्जाम्पल टू हो गया 56 आंसर। चेक करते हैं 56 चॉइसेस ऐसे हमारे हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर एग्जाम्पल थ्री, यहाँ पर क्या बोला है, ए कमिटी इज टू बी फॉर्मड ऑफ 3 पर्सन आउट ऑफ 12, ठीक है। एक कमिटी बनाना है, जैसे कमिटी होता है ना अलग अलग पर्पस के लिए कमिटी बनता है, तो कमिटी बनाना है जहां पर 3 पर्सन को लेना है 12 पर्सन में से, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग सच कमिटी, तो पहला बात है यहाँ पर कॉम्बिनेशन ही क्यों लगेगा वो समझो। तो एन तो हमें पता चल गया 12, टोटल 12 लोगों में से हमें 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब मान लो 12 लोग है, ए बी सी डी ई एफ, मतलब नाम लिख रहा है, ठीक है, ई एफ जी एच के एन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये 12 लोग हो गए, अब मुझे बोलो सिलेक्ट कर रहे हम बी को सिलेक्ट कर रहे, डी को कर रहे और एल को कर रहे, ठीक है। ये तीनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया कमिटी बनाने के लिए, अब बी डी एल करो सिलेक्शन में, या डी बी एल लिखो या फिर बी एल डी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब ये तीनों चीज एक ही है, ये तीनों चीज एक ही है। जैसे मैंने लास्ट दिन बताया था ना, जैसे मैच वगैरह में जब प्लेयर को सिलेक्ट किया जाता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि रोहित शर्मा को ले लो, विराट कोहली को ले लो, विराट कोहली को ले लो, रोहित शर्मा को ले लो, यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता है, किसका नाम आगे बोलो किसी का नाम पीछे बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए यहाँ कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा, और कॉम्बिनेशन में एन और आर दोनों हमें पता है, तो इसीलिए 12C3, ठीक है। देखो फॉर्मूला लगाओगे कुछ ना कुछ ऑप्शन के साथ आंसर आ सकता है नहीं आ सकता है, लेकिन
क्या है, हमें समझना तो पड़ेगा ना कि हम लोगों को कॉम्बिनेशन करना चाहिए कि परम्यूटेशन, ठीक है। हम चाहे तो सिर्फ नहीं बोल के 12C3 कर सकते, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि क्यों P नहीं, क्यों C, क्योंकि ये P भी हो सकता था, लेकिन P हमें नहीं जरूरत है, क्योंकि हमें बोला है कि कमिटी बनाना है। यहाँ ये नहीं बोला है कि कितने तरीके से हम लोग कमिटी बना सकते हैं, तब तो हमें क्या करना पड़ता, तब हमें यहाँ पर जो है परम्यूटेशन, अगर ऑर्डर मैटर करता, ऑर्डर तब मैटर करता अगर हर एक पर्सन के लिए अलग अलग डेजिग्नेशन दिया हुआ रहता। जैसे मान लो हमें कमिटी में इनको प्रेसिडेंट बनाना है, इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, और इनको मान लो कुछ और बनाना है, ठीक है, एल्स, ठीक है। तो अगर ऐसा होता तो ऑब्वियसली ऑर्डर मैटर करता, जब कोई डेजिग्नेशन नहीं है तो ऑर्डर क्यों मैटर करेगा, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तीन लोगों को लेके कमिटी बनाना है, कोई भी तीन लोगों को ले सकते हैं, उन्हें कोई हमें स्पेसिफिक जो है डेजिग्नेशन नहीं देना है। अगर डेजिग्नेशन देना ही नहीं है तो फिर हमें क्या फर्क पड़ता है डीबीएल हो या बीडीएल हो, ठीक है। तो यहां पर ये कैलकुलेट हो गया। अब शॉर्टकट यूज करो 3-2-1, ठीक है, शॉर्टकट यूज करो, नीचे का आर 3-2-1 तक स्प्लिट करके चला गया, और ऊपर भी तीन ही फैक्टर लिखेंगे, तो ये हो गया शॉर्टकट में हम लोग ये 6। तो 220 ये देखो आंसर हो गया 220। अच्छा एग्जाम्पल 4, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो तुम लोग प्लीज आंसर मुझे दो, ठीक है, आंसर दो, गलत होने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर दो, थोड़ा सा कम्युनिकेट करो, तब ना समझ में आएगा मुझे भी कि तुम लोग सुन रहे। बोल रहा है देखो, एक कमिटी ऑफ 7 मेंबर्स इज टू बी चूजन फ्रॉम 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 4 इकोनॉमिस्ट एंड 5 कॉस्ट अकाउंटेंट। मतलब 7 लोगों को लेके, मेंबर मतलब कमिटी में जो सदस्य होते हैं उन्हें मेंबर बोला जाता है, कमिटी में 7 मेंबर हमें चाहिए, ठीक है, और 7 मेंबर को कैसे चूज करना है। और वैसे भी ना वर्ड जब चूज रहता है ना तो वो सिलेक्शन का बात होता है। जैसे मान लो कहीं ड्रेस खरीदने गए, ठीक है, अपने लिए मान लो ड्रेस खरीदने जा रहे हो, वहां पर तुम लोग चूज करते हो ना कि मुझे ये ड्रेस पसंद आया या फिर मुझे ये ड्रेस पसंद आया। मान लो 3 ड्रेस रखा हुआ था, ठीक है, ड्रेस ए, ड्रेस बी, ड्रेस सी। अब तुम लोग 2 ड्रेस कोई भी चूज कर सकते हो, ए सी करो, अब क्या बोलोगे सी ए, दोनों चीज तो एक ही हो गया ना, ये वाला ड्रेस लेना है या फिर ये ड्रेस लेना है, ये ड्रेस लेना है, बात तो बराबर है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। तो जब भी चॉइसेस का बात आता है तो भी कॉम्बिनेशन लगता है। 7 मेंबर्स को हमें चूज करना है और उससे कमिटी बनाना है। अब कितने सारे लोग हमारे पास अवेलेबल है जिनसे हम लोग 7 मेंबर्स को चूज कर सकते हैं, 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 4 इकोनॉमिस्ट एंड 5 कॉस्ट अकाउंटेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हमारे पास लोग कितने सारे, यहाँ पर लिखते हैं CA जो है 6 CA है, इकोनॉमिस्ट कितने सारे हैं 4 इकोनॉमिस्ट है। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पर 5 कॉस्ट अकाउंटेंट है, तो कॉस्ट अकाउंटेंट ये 5 है, ठीक है। हम लोगों को जो मेंबर बनाना है टोटल हमेशा 7 लोगों का मेंबर बनाना है, ठीक है, तो टोटल हम लोग 7 लोगों को ले सकते हैं इनमें से, ठीक है, मैंने अलग अलग जगह बना लिया, टोटल इनमें से 7 लोगों को ले सकते हैं। तो हमारे पास कितने सारे ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं, तो देखो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 6 में से 6 ही चार्टर्ड अकाउंटेंट को ले लिया, 6 में से 6 ही चार्टर्ड अकाउंटेंट को ले लिया, ये कितने तरीके से हो सकता है ये बताओ। अगर 6 में से 6 ही चार्टर्ड अकाउंटेंट को चूज कर लेंगे तो क्या चलेगा। अच्छा पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए मुझे, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन If the committee, there must be at least 1 member from each group. अच्छा, and at least 3 chartered accountants. एक condition दे दिया है, member में हर एक group के एक लोग होने चाहिए। मतलब जो भी हमारा committee बनेगा 7 लोगों का, उसका कैसा combination होगा? एक CA, एक economist, एक cost accountant. हर एक category से एक लोग होना चाहिए और कम से कम 3 chartered accountant हमेशा होना चाहिए। At least 3 chartered accountant हमेशा होना चाहिए। तो बोलो हम लोग 6 में से कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट को ले ले, क्योंकि हमें यहाँ पर कंडीशन दिया है। एटलीस्ट 3 का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट मतलब कम से कम 3, 3 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हम लोग चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ, अगर हम लोग पहले 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही सिलेक्ट करते हैं तो वो ऐसे होगा 6C3। अच्छा 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लिया, अब मुझे बोलो कितने हम लोग इकोनॉमिस्ट ले सकते हैं, कितने हम लोग इकोनॉमिस्ट ले सकते हैं, 4C 4
चार है, अगर यहाँ चार ले ले तो क्या चलेगा, मुझे ये बोलो, अगर हम लोग चार ले ले तो क्या ये चलेगा, क्योंकि फोर और थ्री सेवन हो गया, यहाँ से तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ से चार के चार इकोनॉमिस्ट, सात मेंबर हो गए, क्या ये कंडीशन फुलफिल होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोला था कि हर एक कैटेगरी से एक लोग होना चाहिए, हर एक कैटेगरी से एक लोग होना चाहिए और कम से कम तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, मतलब जो कमिटी बनेगा ना यहाँ पर, तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट तो होंगे ही होंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते है, और बाकी हर एक ग्रुप से एक, जैसे एक इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट एक कॉस्ट अकाउंटेंट भी होना चाहिए, ठीक है, ऐसे बोला है ना, और ऐसे कुल मिला के हमें सात लोगों का जरूरत है। तो हम लोग कैसे करके सारे ऑप्शंस को चेक करें ताकि हमारा कुछ भी ना छूटे, तो पहले मैंने 63 कर दिया कि हम लोगों ने पहले तीन ही चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर देखो हम थोड़ा सा पॉइंट को बदलते हैं, ऐसे सोचो कि अगर हम लोग 6 में से 6 ही चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लेते हैं तो क्या ये कमिटी बन पाएगा, क्योंकि 6 अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लेंगे तो एक और पर्सन लेने से ही सात लोग हो जाएगा, मान लो एक इकोनॉमिस्ट ले लिया, क्या ये कमिटी बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि कमिटी बनाने का कंडीशन दे दिया है कि हर एक ग्रुप से एक लोग रहना चाहिए, हर एक ग्रुप से एक एक पर्सन रहना चाहिए और चार्टर्ड अकाउंटेंट एटलीस्ट तीन होने चाहिए। तो मुझे बोलो अगर हम लोग 6 में से 6 सीए सिलेक्ट करेंगे तो क्या हमारा क्वेश्चन बनेगा, मतलब क्या हमारा कमिटी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, बोलो। नहीं होगा क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट से भी तो एक को लेना है। हाँ नहीं होगा ना, अच्छा तो इसका मतलब 6 लोगों को नहीं ले सकते। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम लोग 5 ले लेते हैं क्या होगा, अगर हम लोग 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लेते हैं और एक इकोनॉमिस्ट ले लेंगे और एक कॉस्ट अकाउंटेंट ले लेंगे, क्या चलेगा, बोलो, 7 जन हो गए, 5 6 7, क्या चलेगा ये वाला, ये होगा कि नहीं, बोलो। हाँ बोलो, होगा कि नहीं। हाँ ये होगा। हाँ ये होगा ना, ये क्यों नहीं होगा, ये होगा क्योंकि हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, कम से कम तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो 5 ले रहे हैं, कम से कम 3 बोला था, 5 ले रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिस्ट में से एक जन को ले लेंगे 4C1 तरीका, कॉस्ट अकाउंटेंट में से एक जन को ले लेंगे 5C1, ठीक है। पहले हम ये सारे ऑप्शंस बना लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम बताएंगे कि हमें क्या करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये समझ में आता है तो मान लो कि कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा अब 6 तो नहीं ले सकते, वो देख लिया, अब हम लोग जो है कम करते हैं, कम के तरफ चलते हैं, हम लोग 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट लेते हैं, ठीक है। 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लिया, अब हमें बोला गया था कम से कम 3 लेना पड़ेगा, हम लोगों ने 4 लिया, चलेगा। अच्छा अब हम लोग यहाँ से ले लेते हैं 2 इकोनॉमिस्ट और 1 कॉस्ट अकाउंटेंट, क्या ये होगा, 4 5 6 और 1 7, क्या ये बनेगा या फिर कोई प्रॉब्लम है, सोच के बताओ क्या ये बनेगा या फिर कोई प्रॉब्लम है। हर एक जगह से एक एक तो हो ही रहा है और चार्टर्ड अकाउंटेंट एटलीस्ट 3 होना चाहिए, वो भी हो रहा है, क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा, सोच लो 2 सेकंड सोच के बताओ। बोलो, बनेगा, चलेगा, ठीक है। अच्छा अब बोलो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट रिड्यूस करते हैं, ये और एक तरीके से हो सकता है, 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लिया और 1 इकोनॉमिस्ट और 2 कॉस्ट अकाउंटेंट, क्या ये होगा, ये भी तो होगा ना, मैंने यहाँ 2 इकोनॉमिस्ट लिया था, यहाँ पर मैंने 2 कॉस्ट अकाउंटेंट लिया, तो भी चलेगा, हर एक ग्रुप से एक एक पर्सन है और एटलीस्ट 3 सीए है यहाँ पर, और क्या बन सकता है, और ऑप्शंस क्या हो सकता है, 6C4 कर लिया, अब करेंगे 6C3, ठीक है, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लेते हैं तो इकोनॉमिस्ट कितना ले पाएंगे, इकोनॉमिस्ट कितना ले पाएंगे और जो है कॉस्ट अकाउंटेंट कितना ले पाएंगे। अगर हम लोग 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट लेते हैं, 7 लोगों का जरूरत है, तो 7 में से 3 तो ले लिया और 4, तो यहां से कितना कितना लेना पड़ेगा, 2 2 2 2 लेना पड़ेगा ना, इकोनॉमिस्ट 2 चाहिए 4C2 और कॉस्ट अकाउंटेंट 2 चाहिए 5C2, ठीक है 5C2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 5 6 7 7 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7, ठीक है, अलग अलग ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, 3 4 5 6 7, ये हो गया। अच्छा क्या हम लोग 6C2 कर सकते हैं, पहले बताओ ये होगा, आगे फिर हम करेंगे, क्या हम लोग 6C2 कर सकते हैं, मतलब 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट से 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट सिलेक्ट करके बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, मतलब जो कमिटी बनेगा, क्योंकि कमिटी, हाँ बोलो, सही बोल रहे हो,
एटलीस्ट थ्री बोला है तो नहीं होगा, नहीं होगा, एटलीस्ट तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट लेना जरूरी है तो ये नहीं बनेगा। तो कितने सारे ऑप्शंस हो रहे, 1, 2, 3 और यहाँ पर 4। अच्छा अभी तक तो 4 ही हुआ, और चेक करते हैं 6C3 का और दूसरा ऑप्शन होगा 6C3, 4C2, 5C2। अच्छा और उसके बाद 6C4 से मैंने कितना ऑप्शंस किया, 6C4 से मैंने दो ऑप्शन कर लिया। अच्छा 6C5 से भी कर लिया, और क्या हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है, ये देखो 6C3 यहाँ पर कर लेते हैं, 4C1 और यहाँ पर कर लेते हैं 5C3, ये भी होगा। देखो मैंने क्या किया, तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट रखा, एक इकोनॉमिस्ट रखा और तीन कॉस्ट अकाउंटेंट रखा, तो भी चलेगा, तीन चार पांच, तीन तीन छह और एक, सात, सात लोग हो गए। अच्छा इसका अल्टरनेट भी तो हो सकता है, इन ये तीन रखा मैंने, यहाँ पर कर लिया 4C3, चार में से तीन इकोनॉमिस्ट ले लिए और पांच में से एक कॉस्ट अकाउंटेंट ले लिया, तो 3, 3, 6 और 1, 7, तो कितने सारे ऑप्शंस हो गए। देखो ये सब ऑप्शन निकल के आ गए, ये हो जाता है हम लोग का ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ठीक है, ये सब ऑप्शंस है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ठीक है, ये है ऑप्शन 3। या तो हम लोग अपना कमिटी ऐसे बना ले, या तो हम लोग अपना कमिटी ऐसे बना ले, ठीक है, लेकिन हर एक जगह पे हमारा जो कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए, 5, ऑप्शन 6, ठीक है। टोटल 6 ऑप्शन हमारे पास निकल के आते हैं, टोटल 6 ऑप्शन हमारे पास निकल के आते हैं। अच्छा और अगर देखो तुम लोग को समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो हम और एक बार बता देते हैं। देखो सिंपल तरीका, यहाँ पर ऐसे लिखो, अगर ये एक बार में मैंने कर दिया, ऐसे करके हम समझा देते हैं, इको और ये रहा कॉस्ट अकाउंटेंट, हमें बोला है टोटल 7 लोगों का जरूरत है लेकिन कम से कम 3 CA होना चाहिए, तो हम लोग ऐसे कर सकते ना, 3 CA ले लिया, 2 इकोनॉमिस्ट ले लिया, 2 कॉस्ट अकाउंटेंट ले लिया, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 3 CA ले लिया और यहाँ मैक्सिमम 4 लोग हैं, यहाँ मैक्सिमम 5 लोग हैं, यहाँ मैक्सिमम 6 लोग हैं, तो तीन यहाँ पर ऐसे कर सकते, 3 CA ले लिया, 1 इकोनॉमिस्ट ले लिया और यहाँ से जो है 3 कॉस्ट अकाउंटेंट ले लिया, ये चलेगा, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर 3 CA ले लिया, 3 इकोनॉमिस्ट ले लिया, 1 कॉस्ट अकाउंटेंट ले लिया, ये भी चलेगा, ठीक है। इसके अलावा 4 CA ले लिया, 2, 2, ये दोनों को 4 और ये हो गया 4, 5, 6, 7, ऐसे भी हो सकता है, 4, 1, 2, 4, 2, 1, है ना, ये तो तुम लोग इजीली लिख सकते हो, पहले फॉर्मूला अगर नहीं भी बनाते तो हम लोग ये तो कर ही सकते हैं, तो ये ही हम लोगों ने किया है। देखो 3, 2, 2, देखो यहाँ पर दिखेगा 3, 2, 2 यहाँ पर ही दिख जाएगा, ये देखो 3, 2, 2, 3, 1, 3, ये देखो 3, 1, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 1, ठीक है, और यहाँ पर देखो 5, 1, 1, 4, 2, 1, ये देखो 4, 2, 1, ये रहा 4, 2, 1, 4, 1, 2, 4, 2, 1, 4, 1, 2, अच्छा ये वाला तो मैंने गलत लिख दिया ना, ये वाला नहीं बोल रहे हो, ये वाला तो गलत लिख दिया, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं चलेगा, है ना, तो अभी हम लोग जो है फिफ्थ नंबर से कर सकते हैं, 5, ठीक है, 5 CA, 6 और 1 7, ऐसे करके बन सकता है, ठीक है, ये अलग अलग ऑप्शन हो सकता है, तो ऐसे करके खुद से ये दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा, इसका कोई फॉर्मूला या रूल्स नहीं है, जो कंसेप्ट बताए उसके हिसाब से अपना दिमाग लगाना है, दिमाग लगा के समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा। पहले अगर सोचते हो कि 6 लोगों को ले लो, लेकिन कंडीशन कहाँ फुलफिल होगा, 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगे तो फिर एटलीस्ट 3 वाला कंडीशन फुलफिल होगा, लेकिन हर एक जगह से एक एक लोग कैसे लोगे, क्योंकि 6 लेने के बाद दोनों ग्रुप में से कोई एक ही को ले सकते हो, लेकिन क्वेश्चन हमें बोला है दोनों ग्रुप में से एक एक लोगों को लेना है, ठीक है, तो ये हम हटा देते हैं, यही वाला चीज हम लोगों ने किया है। और यहाँ पर ये जो हम लोग कमिटी में चूज कर रहे हैं ना, 3, 2, 2 ऐसे करके जो अभी मैंने लिख के दिखाया, उसी का हम लोगों ने क्या किया है, कॉम्बिनेशन में दिखाया, मतलब ये देखो हम यहाँ पर पहला वाला जो लिखा है उसको फिर से रीराइट करके दिखा देते हैं, जैसे पहले ये वाला लिखा था, ठीक है, और हमें पता था 6 CA है और इकोनॉमिस्ट 4 है और कॉस्ट अकाउंटेंट 5 है, तो हमें चूज करना है, तो 6 में से 3 और 4 में से 2 और 5 में से 2, इसीलिए इस तरह से कॉम्बिनेशन हो रहा है, और ये तीनों चीज एक साथ होगा तभी जाके कमिटी बनेगा, इसीलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे, क्योंकि तीनों चीज एक साथ होगा तभी तो 7 लोगों का कमिटी बनेगा, तो एंड होना चाहिए, और एंड होने के लिए यहाँ पर लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन, ये देखो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अच्छा मल्टीप्लिकेशन लगा के इसको सॉल्व करेंगे,
सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 65. 65 का वैल्यू कैसे आएगा, यहाँ पर देखो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, 65 इसको हम लोग कंप्लीमेंट कर लेंगे. पहला बात है, छह में से पांच, देखो जितना इजीली कर सकोगे उतना आसान होगा, नहीं तो क्या होगा एक एक चीजों को लिखते लिखते ही टाइम चला जाएगा. 65 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा ये बताओ. छह में से पांच चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब है कितने चीजों को नहीं सिलेक्ट करना, और वही होता है कंप्लीमेंट्री. तो 65 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, मेरा बात समझ में आ रहा है. लास्ट दिन का याद करो, हम लोगों ने क्या सीखा था कि 5C1 मतलब वे टू सिलेक्ट वन आउट ऑफ फाइव, इन अदर वेज टू नॉट सिलेक्ट और रिजेक्ट फोर आउट ऑफ फाइव. तो ये कंप्लीमेंट्री रिलेशन होता है, एनसीआर एनसीएन माइनस आर. तो ये फॉर्मूला है, लेकिन इसको भी हम लोग बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला, छह में से पांच लोगों को सिलेक्ट करने का मतलब है कितने लोगों को नहीं सिलेक्ट करना, वही हमारा कंप्लीमेंट्री होगा. तो 65 का कंप्लीमेंट्री क्या होता है ये बताओ, बोलो 65 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा. मतलब पांच चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब कितने चीजों को नहीं सिलेक्ट करना, छह में से पांच लोगों को सिलेक्ट करने का मतलब कितने लोगों को सिलेक्ट नहीं करना, बोलो. कुछ बोल नहीं रहे तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. नहीं आ रहा है तो फिर से बताएंगे ना. छह में से पांच लोगों को सिलेक्ट करने का मतलब कितने लोगों को नहीं सिलेक्ट करना ये बताओ. एक. एक. तो 65 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तुम लोग नहीं देख रहे हो लास्ट क्लास, ये देखो 5C1 एक सिलेक्ट करना, यानी चार सिलेक्ट नहीं करना. तो 5C1 इक्वल टू 5C4. तो अभी बताओ, तो इसको कैसे, इसका बराबरी क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा. 5 65 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 65 का कंप्लीमेंट्री क्या लिख सकते हैं, 6C1. ठीक है, ये लिखना इसीलिए लिखवा रहे हैं ताकि सॉल्व जो है आसानी से हो. अभी 5 से लेके 1 तक लिखते जाओगे काफी टाइम लगेगा. ठीक है, तो 4C1 ये रहा 4C1 5C1. अब देखो कितना इजीली कैलकुलेट होगा, नीचे 6 और यहाँ पर 1. ठीक है, क्योंकि R हम लोग एक ही बार लिखेंगे ना, तो ये हो गया 4 और ये 5 और ये 1. तो ये मल्टीप्लाई करो कितना होता है, 20 × 6, ये हो गया 20 × 6 कितना हो जाएगा 120. कितना आसानी से कैलकुलेट हुआ. अच्छा, अब देखो यहाँ पर 64 दिया हुआ, इसको भी हम लोग कंप्लीमेंट्री कर लेंगे. तो क्योंकि 4 से 1 तक लिखना पड़ेगा, इससे बेटर इसे कंप्लीमेंट्री करेंगे तो ये शॉर्टकट हो जाएगा. तो 64 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, 6 में से 4 चीजों को सिलेक्ट कर रहे तो कितने चीजों को नहीं सिलेक्ट कर रहे, 2. 6 में से 4 चीजों को सिलेक्ट कर रहे तो 2 को नहीं कर रहे, तो कंप्लीमेंट्री 6C2 और ये हो गया 4C2 और 5C1. देखो कितना जल्दी कैलकुलेशन होगा, तो ये हो गया 2 × 1, नीचे का ऊपर भी 2 ही फैक्टर लिखेंगे, 6 × 5, अगेन 2 × 1 और ऊपर 4 × 3 और ये हो गया 1 और ये 5. देखो ये शॉर्टकट है ना, एमसीक्यू के लिए तो इतना जरूरी है करना, नहीं करोगे तो टाइम कैसे जो है मैच कर पाओगे. तो 2 2 4 ये कैंसिल आउट हो गया, 5 × 6 30, 5 × 3 15, 15 × 30 450. फिर से 6C4, तो इसको हम लोग लिखेंगे 6C2, 4C1 जैसा है वैसा ही लिखेंगे, 5C2. कंप्लीमेंट्री तभी करेंगे जब हमारा कैलकुलेशन नॉर्मल वे में ज्यादा होगा. जैसे अगर इसको नॉर्मल वे में करोगे तो ये कैसे होता, 5 4 3 2 1 इतना सारा लिखना पड़ता ना, तभी हम कंप्लीमेंट्री कर रहे हैं. नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि कंप्लीमेंट्री करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं, उसका नीड भी तो मैंने बताया ना, तो नीड के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं. फिर हो गया ये 1 और ये 4, फिर नीचे हो गया 2 × 1 और ये हो गया 5 × 4. ठीक है, तो ये 2 2 4 कैंसिल आउट. अच्छा, 5 × 6 30, 13 × 20, तो ये हो जाएगा 600. ठीक है, ये 600 कैलकुलेट हो गया. नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 6C3. तो 6C3 जो है ये बिना कंप्लीमेंट किए कर लेते हैं, 3 2 1, तो 6 5 4, तीन फैक्टर, नीचे 2 × 1, 4 × 3, 2 × 1, 5 × 4. तो ये कितना हो जाएगा,
थ्री थ्री कैंसिल आउट, टू टू, तो फाइव इंटू टू टेन, टेन इंटू फोर फोर्टी, फोर्टी इंटू थर्टी कितना हो जाएगा, फोर्टी, ये हो गया 1200, ठीक है, ये 1200 कैलकुलेट हो गया। अच्छा, सिक्स सी थ्री, सिक्स सी थ्री हो जाएगा थ्री टू वन और सिक्स फाइव फोर, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो, ये वन और ये फोर, अच्छा थ्री टू वन फाइव फोर थ्री, इसमें भी चाहो तो कंप्लीमेंट्री कर सकते थे, पांच में से तीन चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब है दो चीजों को सिलेक्ट नहीं करना, लेकिन ये ठीक है, कम है, पांच से एक तक लिखना ज्यादा होता है, तीन फैक्टर लिखने से उतना टाइम नहीं जाता है, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल आउट। अच्छा यहाँ पर थ्री थ्री टू टू जा फोर, तो ये हो गया टेन इंटू फोर फोर्टी, फोर्टी इंटू ट्वेंटी कितना हो जाएगा 800। फिर यहाँ पर थ्री टू वन सिक्स फाइव फोर, फोर सी थ्री मतलब थ्री टू वन फोर थ्री टू वन और फाइव, थ्री टू कैंसिल आउट, सिक्स और सिक्स कैंसिल आउट, तो फाइव इंटू फोर ट्वेंटी, फाइव इंटू फोर ट्वेंटी, ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्टी हो गया, मतलब 400, ठीक है। तो इतने सारे ऑप्शन हमारे पास है, अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो 120 कमिटी बना सकते हैं। अब अगर ये वाला प्रोसेस लेते तो इतने कमिटी बन जाएगा, ये लेंगे तो सेवन मेंबर्स का इतना कमिटी बन जाएगा, इतना कमिटी बन जाएगा, तो ये सब अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो हम लोग ये सारे ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन लेके अपना कमिटी बना सकते हैं, तो क्योंकि कोई भी एक लेके बना सकते हैं तो और आ गया तो ये ऐड हो जाएगा। जैसे तुम लोगों ने परम्यूटेशन पे किया था ना कि टू डिजिट्स वाला कितना सारा नंबर होगा, थ्री डिजिट्स वाला कितना सारा नंबर होगा, तो टू डिजिट्स वाला 120 नंबर, थ्री डिजिट वाला 90 नंबर, फिर हम लोगों ने ऐड कर दिया कि टोटल कितने सारे नंबर, तो टोटल कितने सारे ऑप्शंस हो रहे हैं वो हमें ऐड करना है। तो देखो कितना आ जाएगा, ये हो गया ना ये ऑप्शन, मतलब या तो 120 कमिटी बना ले, या तो फिर 450, या तो 600, 1200, 800, 400, तो 3570 आंसर आ रहा है, ठीक है, 3570 आंसर निकल के आ रहा है, 3570। इतने सारे जो है कमिटी बन सकते हैं, ठीक है, चेक करते हैं, ये देख 35, टोटल 3570 ऐसे हो सकते हैं। अच्छा फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर फाइव देखो, यहाँ पर बोला है कि ए पर्सन हैज 12 फ्रेंड, एक पर्सन है जिनके 12 दोस्त हैं, ठीक है, ऑफ हुम 8 आर रिलेटिव्स, इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 7 गेस्ट सच दैट 5 ऑफ देम आर रिलेटिव्स, ठीक है। तो एक पर्सन है, ये सपोज वो पर्सन है, ठीक है, इनके टोटल 12 फ्रेंड, ठीक है, इसमें से कुछ रिलेटिव्स भी है, मतलब रिलेटिव्स भी तो फ्रेंड होते हैं ना, जैसे रिलेटिव्स में भैया दीदी जो होते हैं ये भी तो हमारे फ्रेंड होते हैं, या फिर अगर सेम एज के है तो भी फ्रेंड होते हैं। तो 12 फ्रेंड में से 8 रिलेटिव्स है, 8 अगर रिलेटिव्स है तो रिलेटिव्स नहीं है ऐसे कितने जन हो गए, अगर 8 रिलेटिव्स है तो नॉन रिलेटिव्स कितने हो जाएंगे, बोलो नॉन रिलेटिव्स कितने हो जाएंगे, अगर तुम लोग बोलोगे तो क्लास में ही तो रेडी हो जाएगा ना, अलग से पढ़ने का क्या जरूरत होगा। फिर 12 में से 8 अगर रिलेटिव्स है तो नॉन रिलेटिव्स कितने हो जाएंगे, चार, हाँ चार नॉन रिलेटिव्स हो जाएंगे। अब बोल रहे हैं हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 7 गेस्ट, अगेन देखो इनको वही 7 वाला ही केस आ रहा है, इन्हें 7 गेस्ट को इनवाइट करना है, ठीक है, और कंडीशन ये दिया है कि 5 ऑफ देम रिलेटिव्स, ठीक है, तो 5 लोगों को हमें, 7 लोगों को इनवाइट करना है, कंडीशन ये है कि 5 रिलेटिव्स होगा, ठीक है, तो नॉन रिलेटिव कितने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं,
पांच अगर रिलेटिव्स को इनवाइट करना है, सेवन लोगों को इनवाइट करना है, पांच रिलेटिव्स को इनवाइट करना है, तो दो नॉन रिलेटिव्स को इनवाइट करना पड़ेगा, तब ना जाके सेवन लोगों को इनवाइट कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोल रहा है पांच रिलेटिव्स को इनवाइट करना है। तो आठ में से पांच रिलेटिव्स को हम लोग कैसे इन्वाइट कर सकते हैं, बोलो कितने तरीके से इन्वाइट कर सकते हैं? आठ में से पांच रिलेटिव्स को हम लोग कैसे इन्वाइट करेंगे, और चार नॉन रिलेटिव में से टू नॉन रिलेटिव को कैसे इन्वाइट करेंगे, यही करना पड़ेगा। बारह दोस्त में से सात लोगों को इन्वाइट करना है, लेकिन कंडीशन ये है पांच रिलेटिव्स दो नॉन रिलेटिव्स, तो आठ में से पांच और चार में से दो, बताओ कैसे होगा? आठ में से पांच कैसे लिखेंगे? पहले सोचो क्या परमुटेशन होगा क्या कॉम्बिनेशन। मान लो रिलेटिव्स में दो लोग हैं, ठीक है, जैसे मान लो पांच ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये एक दो तीन चार पांच छह हो गया, चलो ये पांच लोगों को हम लोग बुला रहे हैं। अब ये पांच लोगों को बुलाने का मतलब हो गया कि पांच लोगों को बुलाना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ए बी सी डी ई एक तरीका है और ए सी बी डी, ऐसा तो नहीं होगा। इसीलिए गेस्ट को इनवाइट करने का मतलब गेस्ट वन गेस्ट टू, मतलब दो गेस्ट हो गए, गेस्ट वन गेस्ट टू या गेस्ट टू गेस्ट वन कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं हमारे फ्रेंड को, तो फिर ऐसा थोड़ी ना होता है कि गेस्ट वन गेस्ट टू को इन्वाइट किया या गेस्ट टू गेस्ट वन, ये दोनों तो एक ही बात है, तभी तो कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर पहला बात है कि सिलेक्शन है, चूज है, तो कॉम्बिनेशन लगेगा। आठ में से पांच रिलेटिव को हम लोग कैसे बुला सकते हैं, 8C5 तरीके से, और चार में से दो नॉन रिलेटिव को कैसे बुला सकते हैं, 4C2 तरीके से, और ये दो चीज एक साथ होगा तभी मल्टीप्लाई होगा। क्यों एक साथ होगा? एक साथ नहीं होगा तो सात लोग कैसे बनेंगे, सात लोग कैसे बनेंगे अगर एक साथ नहीं होगा तो, और सात लोगों को इन्वाइट करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। अगेन हम लोग 8C5 का कंप्लीमेंट्री कर सकते हैं, 8C5 का कंप्लीमेंट्री हो जाएगा 8C3, क्योंकि 8 में से 5 लोगों को बुलाने का मतलब है 3 लोगों को नहीं बुलाना, कैलकुलेशन के ईज करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो फिर यहां पर हो गया 3, 2, 1, 8, 7, 6, ठीक है, 2 और 1, 4 और 3, चेक करो कितना आता है, 6 और 6 कैंसिल आउट, 2 और 2 कैंसिल आउट, तो 6 × 8 × 7, 8 × 7 × 6, तो ये हो गया 336। देखो आसान है, तुम लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। परमुटेशन से आसान होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो जो टफ वाला चीज है वो तुम लोग पहले ही सीख चुके हैं। इसका अपना फॉर्मूला है, अपना कैलकुलेशन करने का तरीका है, बस इतना ही, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, सिर्फ सिलेक्शन मैटर करता है, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर आ गया 336। हम लोग 336 तरीके से जो है फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हैं, सेवन फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं, जिसमें फाइव रिलेटिव्स और दो नॉन रिलेटिव्स होंगे। अच्छा, फिर देखो एग्जांपल 6, इसमें क्या बोला है, एग्जांपल 6 में हमें बोला है ए कंपनी विशेस टू साइमल्टेनियसली प्रोमोट टू ऑफ इट 6 डिपार्टमेंट हेड्स टू असिस्टेंट मैनेजर। बोल रहा है कि कंपनी ने सोचा है कि साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ दो डिपार्टमेंट के जो हेड है उन्हें असिस्टेंट मैनेजर बना दिया जाएगा, मतलब डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट हेड से असिस्टेंट मैनेजर हो जाएगा, ये दो डिपार्टमेंट में करेगा कंपनी, ऐसा कंपनी का मतलब सोच है, ऐसा कंपनी सोच रही है कि ऐसा करेगी। विशेष इन हाउ मेनी वेज दिस प्रोमोशन कैन टेक प्लेस, कितने तरीके से ये काम हो सकता है, मतलब हम समझाते हैं। देखो एक कंपनी में मान लो है 6 डिपार्टमेंट, ऐसे मैंने कंपनी में 6 डिपार्टमेंट बना लिया, 6 डिपार्टमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट हेड है, ठीक है। अब इनका नाम क्या है, मान लो इनका नाम है पी क्यू आर एस टी यू वी, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अच्छा एक ज्यादा हो, 6 बोला था, पी क्यू आर एस टी यू वी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नहीं एक ज्यादा हो गया, ठीक नहीं,
तो छह डिपार्टमेंट है, ये सब कौन है, ये पी जो है अपने डिपार्टमेंट के हेड है, क्यू जो है अपने डिपार्टमेंट के हेड है, आर जो है अपने डिपार्टमेंट के हेड है। कंपनी को क्या करना है, कंपनी को कोई भी दो डिपार्टमेंट, कोई भी दो डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट हेड को बनाना है असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। तो ये कितने तरीके से हो सकता है, कंपनी के पास ऑप्शन क्या है, कंपनी ऐसा कर सकती है इनको असिस्टेंट मैनेजर बना दी और इनको असिस्टेंट मैनेजर बना दी, या फिर ऐसा हो सकता है क्यू को असिस्टेंट मैनेजर और यू को असिस्टेंट मैनेजर बना दिया, या फिर ऐसा हो सकता है टी और यू को बना दिया, या फिर ऐसा हो सकता है टी और एस को बना दिया, इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। ये छह में से कोई भी दो असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं, बट ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। जैसे पी क्यू को असिस्टेंट मैनेजर बना दिया, अब हम बोलेंगे क्यू पी को असिस्टेंट मैनेजर बना दिया, दोनों बात लेकिन एक ही है, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं बनता है। तो जो डिपार्टमेंट है वहां पर जो पी है, अब पी को तुम लोग डिपार्टमेंट मानो या फिर पी डिपार्टमेंट में बने जो इंसान है उनका नाम सोच लो कि डिपार्टमेंट हेड है जिनका नाम है पी, तो पी को और क्यू को हम लोगों ने जो है असिस्टेंट मैनेजर बनाया, चलो ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे क्यू पी को बनाया, तो ये कोई नया बात नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पर परम्यूटेशन नहीं लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा, ठीक है, ये कन्फर्म पहले। अब कॉम्बिनेशन में एन और आर चाहिए होता है फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, एन मतलब इनमें से कोई भी दो, तो टोटल छह डिपार्टमेंट है, छह लोग है, छह डिपार्टमेंट हेड है, जो भी बोलो, इनमें से कोई भी दो डिपार्टमेंट हेड को असिस्टेंट मैनेजर बनाना है। ये कितने तरीके से हो सकता है, सिक्स सी टू, यानी कि टू इंटू वन 6 into 5, तो ये कितना हो जाएगा, 15 वेज है, ठीक है। ये हम चाहे तो थोड़ा सा लिख के दिखाने का कोशिश कर सकते हैं, जैसे देखो पी क्यू हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, आर एस हो जाएगा, एस टी हो जाएगा, टी यू हो जाएगा, अच्छा यू टी यू हो गया, यू पी हो जाएगा, यू क्यू हो जाएगा, ठीक है, यू आर हो जाएगा, यू एस हो जाएगा, अच्छा यू टी नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुआ है, और भी कुछ बनेगा, तो क्यू आर, ठीक है, क्यू आर लिखा हुआ है, चलो क्यू एस, क्यू एस, क्यू एस कहीं नहीं लिखा है, मैंने यहाँ लिख देते हैं क्यू एस, ठीक है, तो ये चार हो गया, क्यू एस, क्यू टी, क्यू टी नहीं, क्यू टी मैंने नहीं लिखा है, तो ये एक हो सकता है, क्यू टी हो सकता है, क्यू यू, क्यू यू लिखा हुआ है, तो ये नहीं लिखेंगे, अच्छा आर पी, आर पी, आर पी नहीं लिखा है मैंने कहीं, तो आर पी लिख देते हैं, आर पी कहीं नहीं लिखा है, आर पी हो जाएगा, अच्छा आर क्यू, आर क्यू लिखा हुआ है, आर एस भी लिखा हुआ है, आर टी चेक करते हैं, आर टी, ये रहा टी, एस टी है, नहीं आर टी नहीं लिखा हुआ है, तो आर टी हो जाएगा, आर टी, आर यू, आर यू लिखा हुआ है, तो ये नहीं होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और दो बच रहा है, ठीक है, आर एस टी, एस टी तो लिखा हुआ है, एस यू, एस यू भी लिखा हुआ है, एस यू लिखो या यू एस, पी एस, पी एस नहीं लिखा हुआ है, चेक करके देख सकते हो, पी एस कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, ये रहा पी, पी क्यू है, अच्छा पी क्यू है, पी यू है, पी एस नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग लिख लेते पी एस, ठीक है, पी एस हो गया, अच्छा और क्या होगा, एस, और ये पी टी, पी टी शायद नहीं लिखा हुआ है, हाँ पी टी कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, पी टी, तो ये देखो ये 15 तरीका हो सकता है, ठीक है, तो ऐसे करके तुम लोग लिख सकते हो, पी क्यू, पी आर, पी एस, पी टी, पी यू, ये एक पेयर में लिख सकते हो, मतलब इससे क्या होगा, गलत नहीं होगा, तो पी क्यू पी आर, अगर हम ऐसे लिखते तो लिखने में ज्यादा आसानी होता है, ठीक है, मतलब एक पैटर्न को फॉलो करके लिखो, पी क्यू उसके बाद पी आर, तो पी आर पी यू है, ये रहा पी आर या आर पी, एक ही बात है, पी आर पी एस, पी एस ये देखो, पी एस पी टी पी यू, ठीक है, पी टी पी यू, तो पी टी और पी, ठीक है, ये हो जाएगा, फिर क्यू आर, क्यू एस, क्यू टी, क्यू यू, ये देखो क्यू आर, क्यू एस, क्यू टी है, क्यू एस, क्यू एस, क्यू टी, क्यू यू, ठीक है, तो क्यू क्यू यू ये हो गया, ठीक है, क्यू यू ये हो गया, क्यू से चेक कर लिया, अब आर एस, आर टी, आर यू, ये देखो आर एस, आर टी, आर यू हो गया, अब एस टी, एस यू, ये देखो एस टी, एस यू, ठीक है, ये बन गया एस टी, एस यू, अब टी यू एक बचेगा, टी यू वो शायद पहले, एस टी, एस यू, अच्छा यू एस, ये वाला एस टी, ये वाला, ये गलती से काट दिया मैंने, शायद टी यू पे
टिक कर दिया ये वाला, तो उसके बाद TU ऐसे करके 15 15, ये देखो ये लिख के दिखाना पॉसिबल था तो मैंने लिख के दिखा दिया कि 15 तरीका हो सकता है किसी भी दो डिपार्टमेंट के लोगों को, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को असिस्टेंट मैनेजर बना सकते हैं, तो 15 तरीका हो सकता है। अब जो थोड़ा सा लिख के दिखा सकते हैं वो कोशिश करेंगे लिख के दिखाने का, लेकिन जो लिख के नहीं दिखा सकते, बहुत सारा डेटा होगा उसमें, तो हमें जो है प्रैक्टिकली दिखाने का कोई मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, वो हमें समझ के ही करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल 7 पे आते हैं, देखो यहाँ पर बोल रहा है ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर नीड्स 3 हेल्पर, तो परमुटेशन होता है, तो क्या वो परमुटेशन अप्लाई होता? और एक बार बोलो, अगर क्वेश्चन में दो अलग अलग डेजिग्नेशन होता तो क्या परमुटेशन अप्लाई होता? हाँ बिल्कुल, तब परमुटेशन ही अप्लाई होता। मान लो ये जो मेंबर में, यहाँ तो कोई डेजिग्नेशन एक ही दिया है असिस्टेंट मैनेजर, मान लो ऐसा होता कि असिस्टेंट मैनेजर और हेड मैनेजर, तब पी को असिस्टेंट मैनेजर बना दिया, क्यू को हेड मैनेजर, और क्यू को हेड मैनेजर बनाए, ए को असिस्टेंट मैनेजर, तो बात तो अलग हुआ ना। जब बात अलग हो जाएगा तब तो परमुटेशन ही लगाना पड़ेगा, तब हम लोग 6C2 नहीं कर सकते, तब हमें करना पड़ता ये सिलेक्शन तो कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि परमुटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर दोनों चीज को कंबाइन नहीं करना है तो परमुटेशन लगाना है, तो 6C2 के जगह हमें लगाना पड़ता 6, ये देखो 6P2, और इसका आंसर क्या निकल के आता 6 factorial 6 minus 2 4 factorial, तो इसका आंसर होता 6 5, और नीचे 4 factorial से कैंसिल आउट, 30 हो जाता, डबल हो जाता। क्यों डबल होता? पी क्यू का ऑपोजिट भी मायने रखता, क्यू पी, क्यू आर का ऑपोजिट भी मायने रखता आर क्यू, तो हर एक पेयर का डबल हो जाता, तो 15 का डबल 30। बोलो बात समझ में आया, क्यों 30 होता? हाँ मैम, है ना। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। देखो ये जब भी मैथ्स का बात आता है ना, मैथ्स टफ तब हो जाता है जब हम लोग समझते नहीं है, अगर समझ के करेंगे ना तो ये कुछ भी टफ नहीं है। तो सही है कि ऐसा हमें क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन लाओ तब क्लियर हो जाएगा कोई भी डाउट रहेगा तो। ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर नीड्स 3 हेल्पर, एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को 3 हेल्पर की जरूरत है एंड 10 मेन अप्लाई, मतलब डिक्लेरेशन दिया है कि मुझे 3 हेल्पर का जरूरत है और 10 लोगों ने अप्लाई कर दिया, मतलब 10 लोग आके बोल रहे हैं मुझे ले लो, ठीक है, अप्लाई कर दिया। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस सिलेक्शन टेक प्लेस, वो कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? अब जब क्वेश्चन में ना हमें सिलेक्शन वर्ड दे दिया है तब तो हमारा काम मतलब कुछ रहा ही नहीं। जब सिलेक्शन बोल रहा है तो सोच ही लो कॉम्बिनेशन, अगर कुछ ज्यादा भी नहीं दिमाग में प्रेशर देना चाहते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सोचो कि कॉन्ट्रैक्टर के पास 10 लोग आए, कॉन्ट्रैक्टर कोई भी 2 लोगों को सिलेक्ट करे, क्योंकि उसके लिए तो कोई डेजिग्नेशन नहीं दे रहा कि आप ये वाला काम करोगे आप वो वाला काम करोगे, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, तो बस सिलेक्ट ही करना है, ठीक है, उन्हें सिलेक्ट ही करना है 3 हेल्पर, ठीक है। तो 10 लोगों ने जो है आके डिमांड कर दिया, मतलब 10 लोगों ने अप्लाई कर दिया, 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो ये तो बहुत ही अच्छा बात है, क्वेश्चन में हमें सिलेक्शन दे ही दिया, और ऊपर से ये सिलेक्शन ही होगा, इसमें ऑर्डर क्या मैटर करेगा, 10 लोग लाइन पे खड़े हैं, कोई भी 2 लोग मतलब कॉन्ट्रैक्टर देखेगा कि किसको काम अच्छे से आता है, वो कॉन्ट्रैक्टर को लगेगा मुझे ये 2 लोगों को लेना चाहिए, वो 2 लोगों को ले लेगा काम पे, ठीक है। तो ये हो गया 10C3 तरीके से हो सकता है, अब कौन से 2 लोगों को लेगा वो डिपेंड कर रहा है, ऐसे करके हमारा सिलेक्शन निकल के आएगा। तो ये हो गया 3, 2, 1, 10, 9 और 8, तो यहाँ पर आंसर होगा 2, 5, 10 और 3, 3, 9, तो ये हो गया 24 × 5 120, ठीक है 120। अब देखो जैसे 120 लिखना पॉसिबल नहीं है, तुम लोग घर पे भी बैठ के लिखोगे तो पागल हो जाओगे, ठीक है, तो अभी क्लास में तो कैसे भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब इतना सा होता है तब हम कभी कभी लिख के दिखा देंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली की कैसे 120 कॉम्बिनेशन लिखना काफी टफ है, ठीक है। अच्छा अब देखो एग्जाम्पल 8, अच्छा यहाँ पर छोटा छोटा कुछ क्वेश्चंस दिया है, बोला है कि हमें एन फाइंड आउट करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास रहेगा हमारा ऑप्शन, ठीक है, हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम दिखाते हैं कैसे करके कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल 8 का क्वेश्चन नंबर ए, 4 × NC2 = (n+2C3), ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमारे पास ना अलग अलग ऑप्शंस रहेगा जिसके हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन रह सकता है, ए बी सी डी, नॉर्मली 4 ऑप्शन रहते हैं, हम डी को लिख देते हैं नन ऑफ दिस, ठीक है, ऐसे रहेगा नन ऑफ दिस,
और ए बी सी डी का वैल्यू क्या रहेगा, रुको एक बार देख लेते हैं इसमें आंसर क्या है। यहाँ पर 11-11 और 8 आया है, 8 आंसर होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन में तुम लोग के पास एक 8 रहेगा, ठीक है, n इक्वल टू 8 रहेगा, क्योंकि हमें n फाइंड आउट करने बोला है। हम पहले ही n इसीलिए लगा लिए ताकि ज्यादा टाइम हमें ना लगे, ठीक है। n 7 हो जाएगा सपोज और n 5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है, तुम लोग यहाँ से ऑप्शन पिक करोगे, इस पे अप्लाई करके चेक करोगे सही हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने आंसर देख के लिया है तो मुझे पता है 8 से सही होगा। हम एक बार करके दिखा देते हैं, 4 × 8 C2, तो ये कितना वैल्यू निकल के आएगा, 4 × 2 × 1 8 × 7, तो ये हो गया 2, 8 × 7 × 2 1 1 2, और n प्लस 2 c मतलब 8 प्लस 2 C3 मतलब 10 C3, और ये भी 1 1 2 निकल के आएगा, 3 2 1 और 10 9 8, 3 3 9, 2 4 8, तो ये हो गया 1, ये क्या हो गया 120 निकल के, गलत हो गया, 10 C3 4 8 C2 7 14 × 8, क्या गलत कैलकुलेशन हो गई, 1 1 2, तो ये गलत हुआ, गलत तो नहीं होना चाहिए, मैंने तो आंसर देख के लिखा, एन प्लस टू सी थ्री, एन प्लस टू सी थ्री एन सी टू, 8 + 2 10 10 C3, सही हो रहा है, 10 C3, कहाँ गलत हो गया, देखो तो 3 2 1 10 9 8, 3 3 9, 2 4 8, 4 3 12, 120, ऐसे कैसे पॉसिबल है। यहाँ पर इन्होंने बताया है therefore we conclude that n equal to 8, तो मैंने भी तो 8 ही लिया, फिर 8 से आंसर क्यों नहीं आ रहा है, 4 × NC2 4 = n + 2 मतलब 10 C3, मुझे तो कहीं गलत नहीं दिख रहा है, 10 C3, तो 3 2 1 10 9 8, पूरा कैलकुलेट कर लेते, कहीं सिंप्लीफिकेशन में तो गलत नहीं हुआ, 120, ये 1 1 12 कैसे आ जाएगा फिर? मैम वो आंसर आपने नंबर का देखा है ना, वो ए का आंसर अलग है। ओ अच्छा, हाँ वही कुछ होगा, वही सोचते हैं सब ऐसे। अच्छा 2 और 7 बोला है, एन का वैल्यू 2 और 7, अच्छा तो ये इससे नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर 2 भी लगा लेते, 2 और 7, तो ये वाला नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा, हम लोग ऑप्शन बी से चेक करते हैं। 4 × यहाँ पर हम लोग पहले 7 से चेक करते हैं, 7 C2, 4 × 2 × 1 और 7 × 6, तो ये हो गया 3, तो 12 × 7 84, अच्छा और ये वाला 7 + 2 C3 मतलब 9 C3 मतलब 3 2 1 और 9 8 7, 3 3 9 2 4 8, 4 3 12 × 7 84, हाँ हो रहा है, और 2 से भी हो जाएगा ऐसा हमें आंसर में दिया हुआ, तो 2 भी एक बार अप्लाई कर लेते, 4 2 C2, तो 2 C2 मतलब 4 × यहाँ पर 2 C2 मतलब 1 हो जाएगा, क्योंकि दो में से दो चीजों को सिलेक्ट करने का एक ही तरीका, n हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, NCN मतलब 1 होता है, वैसे ही 2 C2, तो यहाँ पर कितना 1 1 × 4 4 हो जाएगा। अच्छा फिर है n प्लस 2 मतलब 2 + 2 C3, तो ये हो गया 4 C3 और 4 C3 का मतलब 3 2 1 4 3 2 3 2 3 2, और ये हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास जो ऑप्शन रहेगा हम लोग उससे चेक करके देख सकते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन रहेगा, अब वो ना डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट कैसा ऑप्शन देता है, अगर देगा तो दो दो ऑप्शन भी दे सकता है हर एक जगह पे, अगर नहीं देगा तो एक देगा, या तो 7 देगा या तो 2, बाकी से तो टैली होना है नहीं, ठीक है, या तो 7 से टैली हो जाएगा या तो 2 से टैली हो जाएगा, इसको सॉल्व करके भी हम लोग कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता इसका नेसेसिटी है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, करके सॉल्व तो करके दिखाना नहीं है, तो ऑप्शन से कर लेंगे तो फिर ये ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा और एक है n प्लस 2 cn 45, ये भी ऐसे करके चेक करोगे अगर एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, n प्लस 2 cn इक्वल टू 45, इसमें भी ऑप्शंस रहेंगे,
जैसे कि मैंने वो गलत लिख लिया था, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए सही बन जाएगा. एन का वैल्यू 8, एन का वैल्यू 7 और एन का वैल्यू 6, ऐसे ले लिया मैंने. डी लिख लेते हैं, नन ऑफ दिस. ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, 8 पे चेक करते हैं. 8 + 2 C8 क्या 45 होगा? 10 C8. अब 10 C8 देखो, कंप्लीमेंट्री क्यों सीखना जरूरी है? अगर हम लोग 8 तो 8 से लेके 1 तक लिखना पड़ेगा, इसका कंप्लीमेंट्री निकाल लेंगे, जल्दी हो जाएगा. कैसे? 10 में से 8 चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब 2 को नॉट सिलेक्टेड रखना, तो 10 C2 इसका कंप्लीमेंट्री हो गया. अब देखो कितना जल्दी होगा, 2 × 1 10 × 9. अब 8 से लेके 1 तक लिखते जाओगे काफी टाइम लगेगा ना, तो ये हो गया 5 × 9 = 45, तो मैच हो गया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा. तो एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस रहेंगे, तो फिर सॉल्व करने का सीखना जरूरी नहीं है. परमुटेशन में मैंने एक दो दिखाया है, ठीक है. अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमें फालतू में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा. अच्छा, अब देखो एग्जाम्पल 9. इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है ए बॉक्स कंटेन्स 7 red, 6 white and 4 blue balls. हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ 3 balls कैन बी मेड सो दैट ऑल थ्री आर रेड, नन इज रेड, 1 इज ईच ऑफ कलर. ठीक है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. ठीक है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी तभी कोई सीख सकता है अगर उसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पता हो. ठीक है, बिना परमुटेशन कॉम्बिनेशन का प्रोबेबिलिटी नहीं होता है. तो ये प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि चांसेस. तो बोल रहा है कि एक बॉक्स के अंदर 7 red, 6 white और 4 blue balls है और हमें बोला है हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ 3 balls कैन बी मेड. हम लोग कितने सारे ऐसा 3 ball सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि ऑल थ्री आर रेड, सारे के सारे रेड बॉल हो, नन इज रेड, कोई भी रेड ना हो, 1 इज ऑफ ईच कलर, हर एक बॉल एक एक कलर का हो. तो पहले देखो क्वेश्चन हमें कैसे दिया है. एक बॉक्स है, सपोज ये एक बॉक्स है, अच्छा इसमें क्या क्या कलर का बॉल्स है. देखो यहाँ पर बोला है 7 red ball. ठीक है, तो हम लोग 7 red ball बना लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 red ball है, 6 white ball है, 6 white ball है और 4 blue ball है. तो 4 blue ball है, 4 blue ball है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4 blue ball, 4B लिख लिया. अच्छा 6 white ball, 6 white ball और रेड बॉल जो है वो है 7 red ball. ठीक है, अब हमें एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है. पहला क्वेश्चन हमें बोला है कि तीनों के तीनों बॉल, हमें कितने बॉल लेने हैं एट ए टाइम. यहाँ पर बोला है हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ 3 balls, कितने बार सिलेक्ट करने पे 3 ball हमें मिलेगा ताकि तीनों बॉल ही रेड हो. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें बोला है कि तीनों बॉल ही रेड हो, ऑल 3 balls आर रेड. तो हमें 3 ball ड्रॉ करना है, तीनों बॉल रेड हो, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? अगर हम लोग इस बॉक्स में हाथ डालेंगे और यहां से ही बॉल निकालेंगे, सिर्फ यहां से बॉल निकालेंगे तभी रेड बॉल आएगा. तो इस केस में मुझे ये बता दो कि एन कितना और आर कितना. आर मतलब एट ए टाइम जितने बॉल लेने हैं, तो वो तो 3 है. एन कितना होगा, एन कितने सारे बॉल से हम लोग 3 ball निकाले ताकि कंफर्म तीनों का तीनों बॉल लाल होगा. यही तो बोला है ना कि ऑल 3 are red, तो कौन से बॉल से ये 3 ball निकाले ताकि तीनों का तीनों लाल होगा, ये बताओ. लाल बॉल निकल के आएगा 7 7. ये 7 ball में से ही लेना पड़ेगा, इधर इधर नहीं हाथ दो, इधर इधर दोगे तो व्हाइट या ब्लू निकल के आ सकता है. तो इसीलिए हम लोग ये 7 में से 3 ball निकाल लेंगे तो हमें तीनों ही रेड बॉल मिल जाएगा. तो 3, 2, 1, 7, 6 और 5. तो ये हो गया 6 और 6 कैंसिल, 35. 35 ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं. मतलब 35 कैसे होगा पता है, ये अलग अलग ऑप्शन के साथ, ये ball 1, ball 2, ball 3, ball 4, ball 5, ball 6, ball 7, ये दो ले लो, ये दो ले लो, ये दो, मतलब ऐसे ये दो बॉल ले लो, या फिर ये दो ले लो, या फिर ये दो ले लो, या फिर ये दो, या फिर ये दो, ठीक है, या फिर ये वाला और ये वाला, ऐसे करके 35 हमारे पास ऑप्शन आ सकता है. नेक्स्ट हमें बोला है
कि नन इज रेड, कोई भी रेड बॉल निकल के ना आए, ठीक है। नेक्स्ट हमें बोला है नन इज रेड, इसका आंसर क्या होगा? नन इज रेड, हमें तीन बॉल ही निकालना है लेकिन एक भी रेड बॉल ना हो, तो उस केस में एन कितना और आर कितना? आर तो तीन, तीन बॉल निकालना है तो तीन होगा, तो मतलब नंबर ऑफ सिलेक्शन एट ए टाइम, ठीक है, वो थ्री हो जाएगा। हम लोगों को तीन बॉल सिलेक्ट करना है लेकिन एक भी रेड बॉल ना हो, तो हम लोग कौन से बॉल, कितने सारे बॉल से सिलेक्ट कर सकते हैं? टेन, टेन, ठीक है, टेन, इसीलिए क्योंकि ये छह व्हाइट और फोर ब्लू, ये बॉल चलेगा क्योंकि सिर्फ रेड बॉल का हमें जो है यहाँ पर बोला गया है कि रेड बॉल नहीं लेना है ये वाले केस में, ठीक है। तो थ्री टू वन, टेन नाइन और एट, 24 × 5 120, ठीक है, 120 ऐसा ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे सी। इसमें बोला है कि वन इज ऑफ ईच कलर, वन इज ऑफ ईच कलर, मतलब यहां पर क्या था, यहां पर ये तीनों बॉल ही रेड बॉल होने चाहिए, ठीक है, तीन बॉल जो है वो तीनों ही रेड बॉल होगा। यहां पर हमें बोला है कि रेड के अलावा कुछ भी हो सकता है, रेड के अलावा कुछ भी हो सकता है, मतलब व्हाइट और जो ब्लू है उसका कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है। अब व्हाइट 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 भी हो सकता है, व्हाइट ब्लू ब्लू भी हो सकता है, व्हाइट ब्लू ब्लू ब्लू, ऐसे करके 120। अब यहां पर बोला है वन इज ऑफ ईच कलर, मतलब ये जो दिखेगा ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक व्हाइट बॉल, एक ब्लू वाला बॉल और एक रेड वाला बॉल ऐसा होना चाहिए, ठीक है, एक व्हाइट वाला, एक ब्लू वाला, एक रेड वाला बॉल होना चाहिए। अब ये कितने तरीके से होगा, यहाँ पर एन कितना होगा और आर कितना होगा, यहाँ पर कैसे करके करना पड़ेगा, हमें एग्जैक्टली एग्जैक्टली एक व्हाइट एक रेड ऐसा चाहिए, एग्जैक्टली एक व्हाइट एक रेड और एक ब्लू चाहिए। तो अगर मुझे एक रेड चाहिए, एक रेड बॉल मुझे अगर चाहिए, तो मुझे इसमें से एक बॉल लेना पड़ेगा, इसमें से एक बॉल, इसमें से एक बॉल, ये कैसे होगा, बोलो कैसे लिखने से होगा? यहां पर तीन केस बनेगा ना, फिर सोचो तीन केस बनेगा, रेड बॉल का केस कितना सारा होगा, ये सात में से कोई भी एक, बोलो कैसे होगा, सात में से कोई भी एक होगा ना, सेवन, ये रेड वाला केस दिखा रहे हैं, रेड वाला केस कैसे होगा, रेड बॉल, ठीक है, रेड सेवन बॉल है उसमें से हमें एक लेना पड़ेगा, ठीक है, तो सेवन सी वन। अच्छा, अब नेक्स्ट तुम लोग बताओ व्हाइट वाले बॉल के लिए क्या केस होगा, एन और आर, और ब्लू वाले के लिए क्या केस होगा, एन और आर, बोलो, सात में से एक, कोई भी एक ले, हाँ बोलो, व्हाइट का सिक्स और वन होगा, हाँ सिक्स और वन होगा, और इसमें फोर और वन होगा, ठीक है, तो सेवन सी वन, यहाँ पर सिक्स सी वन और यहाँ पर फोर सी वन, और हमें तीनों बॉल जो है इकट्ठे चाहिए, ठीक है, तीनों बॉल इकट्ठे, क्योंकि हमें तीन बॉल चाहिए, तो यहाँ पर तो एक ही बॉल निकलेगा, एक रेड एक व्हाइट एक ब्लू, और ये तीन अगर हमें एक साथ चाहिए तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए, सेवन सी वन, सिक्स सी वन, फोर सी वन, ठीक है, क्योंकि कौन सा रेड आएगा, कौन सा व्हाइट आएगा, कौन सा ब्लू, वो तो हमें नहीं पता ना, मतलब अलग अलग बहुत सारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। मान लो ये वाला हम ऐसे बता रहे, जैसे देखो ये रेड बॉल हो गया, ये व्हाइट और ये ब्लू, लेकिन इसके अलावा भी तो ऑप्शन है, ये रेड होने से ये व्हाइट ये ब्लू, ऐसे करके हमें अलग अलग ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। जैसे हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया था, ऑप्शन चेक किया था, तो यहाँ पर भी चेक करेंगे, बट यहाँ पर तो उस तरह से ड्रॉ करके करना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया सेवन सी वन, सिक्स सी वन, फोर सी वन, तो ये हो गया वन और सेवन, ये हो गया वन सिक्स, और ये हो जाएगा वन और, तो सेवन इंटू सिक्स इंटू 168, चेक करते हैं 168 आंसर है कि नहीं। तो पहला आंसर 35, दूसरा 120 और 168, हाँ सही है, ठीक है, तो इस तरह से होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है,
यहाँ पर फिर से एक आर को कैलकुलेट करने का जो है वैल्यू दे रखा है. देखो हम लोग कैसे आर कैलकुलेट कर सकते हैं. एग्जाम्पल 10, टेन पी आर इक्वल टू 6,04,800 और 10 CR इक्वल टू 120. ठीक है, हमें पूछा है कि R का वैल्यू निकालो. ठीक है, तो R का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? R का वैल्यू जो है इजीली निकल जाएगा. ये देखो, इसको हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं या फिर दूसरा एक आसान तरीका है उससे भी कर सकते हो. जैसा हमें पता है कि NCR को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल. तो ये 10CR को ऐसे लिख दे, 10PR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल इक्वल टू 120. और 10PR का वैल्यू हमें पता है, ये वाला देखो 604800 डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल, ये हो गया 120. अब R फैक्टर, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो R फैक्टोरियल रियल इनटू 120 इक्वल टू 604800. तो आर फैक्टोरियल इक्वल टू 604800 डिवाइडेड बाय 120. चेक करते कितना आता है, 604800 डिवाइडेड बाय 120, तो ये हो गया 5040. ठीक है, अब 5040 इज नॉट आर. ठीक है, इधर आर फैक्टोरियल है. आर फैक्टोरियल का मतलब आर, आर माइनस वन, आर माइनस टू, डॉट डॉट करके वन तक. तो ये सोचो कि 5040 किसका फैक्टोरियल है, बता सकते हो? थोड़ा सा कैलकुलेटर पे चेक करोगे तो बता सकते हो. प्रॉब्लम क्या है, 5 फैक्टोरियल मतलब 120 होता है. 120 इंटू 6 7, हाँ देखो 7 फैक्टोरियल होता है. ठीक है, ये करते करते भी याद हो जाता है ना, हम लोगों ने इतने दिन से परमुटेशन किया, तो 7 फैक्टोरियल. अब यहां से हम लोग बोलेंगे R इक्वल टू 7. ठीक है, R फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं R इक्वल टू 7. तो ये एक तरीका था, मतलब ये एक शॉर्टकट तरीके से ही हो गया. तो इसमें ऑप्शन से चेक करने जाओगे तो दोनों पे चेक करना पड़ेगा. सोचो हमें हमेशा सिचुएशन वाइज काम करना चाहिए ना, जो सीखा है अलग अलग तरीके से हर जगह सीखा है तो वैसे अप्लाई करो. अगर R का वैल्यू यहाँ पुट करके फिर ये निकालोगे, फिर R का वैल्यू यहाँ पुट करके ये निकालोगे, इसमें जो टाइम लगेगा अगर हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं तो जल्दी होगा. ठीक है, अब एग्जाम टाइम में अगर मान लो ये दिमाग में नहीं आया, कोई बात नहीं, तब ऑप्शंस को देख के कर लो. ठीक है, ऑप्शन को देखोगे तो वहां 7 जरूर रहेगा, तो 7 से ट्राई करोगे तो आंसर मैच हो जाएगा. ये देखो यहाँ पर R का वैल्यू 7 दिखाया है. ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट और कुछ प्रॉपर्टीज है वो लिख के दिखा देते हैं. NCR इक्वल टू NCN माइनस R, ये प्रॉपर्टी भी हमें याद रखना है. और एक थियोरम यहाँ पर, NCR इक्वल टू NCN माइनस R. ठीक है, ये कर चुके हैं हम लोग, ये नया नहीं है, ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा. यही वाला तो कंप्लीमेंट्री रिलेशन था, NCR इक्वल टू NCN माइनस R, मैंने लिख पाया है तो इसको हम नहीं लिख पाते. फालतू का बार बार लिख के क्या जरूरत नहीं, छोड़ो. तो ये मैंने करवा दिया है, ये वाला लिखते हैं, ये मैंने नहीं लिख पाया, ये वाला थ्योरम लिखते हैं. यहाँ पर क्या बोला है, एन प्लस वन सी आर, एन प्लस वन सी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सी आर प्लस एन सी एन माइनस आर, ऐसा था शायद, एन सी एन माइनस आर, आर माइनस वन, अच्छा NCR माइनस वन. तो इसको कैसे याद रखोगे, यहाँ भी N, यहाँ भी N, यहाँ R, यहाँ R माइनस वन. ठीक है, और यहाँ भी R होगा N प्लस वन. तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, इससे बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है सॉल्व करने के लिए N या R. ठीक है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे. ठीक है, यूज करोगे तो याद हो जाएगा कैसे करके करना है. तो ये दो प्रॉपर्टीज में से ये मैंने लिखवाया, ये हम लोगों का कंप्लीमेंट्री वाला था, जो कि मैंने जो पूरे एग्जाम्पल के साथ समझाया था कि ये देखो ये कोई कैलकुलेशन नहीं है कि हमारा हमेशा ऐसे आ रहा है कि पांच का पांच में जीरो मतलब भी वन और यहाँ पर पांच में पांच मतलब भी वन, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है.
लॉजिकली ऐसे इसीलिए हो रहा है कि पांच में से पांच चीजों का सिलेक्ट करने का मतलब जीरो चीजों को अनसिलेक्ट करना, तो ऐसे यहाँ पर जीरो चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब पांच को रिजेक्ट करना, इसीलिए ये भी वन कंप्लीमेंट्री बराबर होता है, ठीक है, इसीलिए। अच्छा, अब और कोई है ऐसा, एनसीएन वन होता है, एनसीएन एनसी जीरो वन होता है, एनसीएन वन होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में यहाँ से करवाया, एनसी जीरो एन एनसीएन वन, ठीक है, मैंने अपने हिसाब से ये थियोरम्स भी तुम लोगों को करवा दिए थे, बस वो वाला बाकी था तो वो वाला मैंने बताया। अच्छा, अब ये देखो, इन्होंने यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री बोल भी रखा है, कॉम्बिनेशन फॉर इफ वी फॉर्म ए ग्रुप ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, एन माइनस आर रिमेनिंग थिंग्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रुप फ्रॉम अनदर ग्रुप ऑफ रिजेक्टेड थिंग्स, द नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, जरूरत नहीं है, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री ये वाला सिखाया कि जो अगर हम लोग कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं तो कुछ अनसिलेक्ट जरूर रहेगा, और अगर सारे सिलेक्ट कर रहे हैं तो जीरो अनसिलेक्ट रहेगा, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने के लिए, फाइंड आर इफ 18 CR इक्वल टू 18 CR R प्लस टू, तो देखो कैसे सॉल्व होता है, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो थ्योरम है इसी से सॉल्व हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11, इसमें क्या बोला है देखो, 18 CR इक्वल टू 18 CR प्लस टू, ठीक है, R प्लस टू, यहां पर हमें बोला है कि कैलकुलेट करना पड़ेगा R, फाइंड आर, ठीक है, हमें आर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये थ्योरम अगर देखो तो कुछ इसके तरह हो सकता है, जैसे कि हमें पता है, ये देखो यहाँ पर हमें दिया है 18 CR, तो हम लोग ये कंप्लीमेंट्री रिलेशन कर सकते हैं ना, जैसे 18 CR का मतलब हो जाएगा, NCR का मतलब क्या हो जाएगा, तो 18 में से आर चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब है, जैसे मान लो अगर लिखा हुआ है 18C15, 15 चीजों को सिलेक्ट कर रहे हैं तो कितने चीजों को नहीं कर रहे, तीन, तीन कैसे निकला, 18 - 15 करके, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं ना, 18 - R, तो 18 CR की जगह हम लोग लिख सकते हैं 18C 18 - R। अच्छा एक सेकेंड देख लेते हैं यहाँ पर, 18 CR इक्वल टू 18 CR प्लस टू, हाँ ठीक है, ऐसे ही होगा, तो कंप्लीमेंट्री रिलेशन पहले देख लो, ठीक है, कंप्लीमेंट्री रिलेशन में मैंने ट्रांसफर कर दिया, ये इसके साथ मैच करके देखो, कंप्लीमेंट्री रिलेशन में ही मैंने इसे ट्रांसफर कर दिया कि 18 CR का मतलब कंप्लीमेंट्री 18C 18 - R, क्योंकि हम लोग इसका मतलब बाकी चीजों को सिलेक्ट नहीं कर रहे, तो इसके जगह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 18C 18 - R, ठीक है, 18C 18 - R इक्वल टू 18C R प्लस टू, ठीक है, 18C R प्लस टू हो गया। अब देखो यहाँ पर ये वाला 18C R प्लस टू, मतलब इसके जगह मैंने ये पुट कर दिया, ये जैसा था वैसा लिख दिया, अब यहाँ पर 18 18 है, यहाँ पर 18 - R है, यहाँ पर R प्लस टू है, मतलब ये n हो गया, ये दोनों बराबर है, बात समझो, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, तो यहाँ पर ये n है, ये r है, मतलब ओवरऑल बोले तो, ठीक है, तो अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है तो n तो यहाँ पर दोनों केस में 18 है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 18 - R इक्वल टू आर प्लस टू, ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो -R - R इक्वल टू प्लस टू माइनस 18, तो सॉल्व कर लेते हैं, -2R इक्वल टू -16, तो R इक्वल टू 16 - 2, तो 8 हो जाएगा। देखो अगर सॉल्व थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो समझ में आ जाएगा, जैसे कि मैंने बोला ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन वगैरह ये सब हमें याद रखना पड़ेगा अगर हम लोग इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो, ठीक है। अच्छा अब देखो, जरूरी नहीं है कि तुम लोग को हमेशा सॉल्व करना पड़े, अगर आर का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है और अगर ऑप्शन में डायरेक्टली आर का अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 8 दिया हुआ है मान लो, बी में 5, सी में 9 और डी में नन ऑफ दिस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग पहले 8 से अप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है, 18C 8 और 18C 10, इसका वैल्यू निकालोगे तो दोनों साइड टैली हो जाएगा, पता चल जाएगा, फिर भी ये क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, तो हम इसीलिए बोल रहे हैं 18C 18 - R, मैंने पहले कंप्लीमेंट्री कर दिया, इसका कंप्लीमेंट्री और ये इक्वल टू दिस, ये है, ठीक है, ये वैल्यू, ये देखो
फिर से बताते, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, मैंने इसका बना लिया कंप्लीमेंट्री, ठीक है, कंप्लीमेंट्री बराबर होता है, तो 18CR का मतलब 18C 18 माइनस आर भी होता है, और ये जैसा था वैसा लिख दिया, अब ये भी 18 ये भी 18, ये दोनों को हम लोगों ने कंपेयर कर लिया, ठीक है, दोनों को बराबर कर लिया, बराबर करने से हमारे पास आर का वैल्यू निकल के आता है, बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, 18 माइनस आर, आर प्लस 2 दोनों बराबर है, आर इधर माइनस में है, ये आर इधर लेके आ गए माइनस आर, ये प्लस 2 इधर था, इधर माइनस 18 हो गया, तो माइनस 2R, ये दोनों R का कैलकुलेशन माइनस 16, तो ये डिवाइड करने से आ जाता है 8, ठीक है, ये डिवाइड करने से 8 निकल के आ गया, तो इस तरह से देख लेते हैं, इनका भी आंसर 8 ही है, चलो ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। फिर यहां पर एक प्रूफ दिया है, तो प्रूफ तो नॉर्मली आता नहीं है, ठीक है, फिर भी प्रूफ दिया है एक, तो हम दिखा देते कैसे होगा, प्रूफ तो आएगा नहीं क्योंकि हम लोगों का एमसीक्यू है, तो प्रूफ कैसे आएगा, ठीक है, तो है एग्जाम्पल में, तो हम एक बार बता देते हैं, एग्जाम्पल 12 क्या दिया हुआ है, देखो एनसीआर इक्वल टू एन माइनस टू सी आर माइनस टू, अच्छा इसके बाद प्लस टू एन माइनस टू 2 इंटू होगा, ठीक है, ये यहाँ नहीं दिखा रहा है, बट n माइनस टू सी आर माइनस वन, बट चिंता मत करो ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, इसीलिए हम एक बार करवा दे रहे n माइनस टू सी आर, प्रूफ बोल के कभी भी कुछ नहीं आ सकता है, ये हो गया, अब हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करके दिखाना है, तो ये जो बड़ा वाला डेटा है ना, ये राइट हैंड साइड में जो बड़ा वाला डेटा है, ये पिक किया गया है, ठीक है, इससे इसमें पहुंचने का कोशिश किया गया है, तो ये डेटा एक बार लिख लेते हैं, एन माइनस टू सी आर माइनस टू, टू इंटू, अब ये देखो टू इंटू जो है ना, टू इंटू को स्प्लिट कर दिया गया है, जैसे मान लो टू एक्स अगर लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको एक्स प्लस एक्स लिख सकते हैं ना, तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पर, क्योंकि टू इंटू एन माइनस टू सी आर माइनस वन है, तो इसको हम लोग दो बार लिख सकते हैं, एन माइनस टू सी आर माइनस वन, इससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन जो है वो मतलब कुछ ना कुछ यहाँ से निकल के आएगा, देखो यहाँ पर जैसे इन्होंने किया हम लोगों ने भी वैसे ही कर लिया, अब हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी टू को यूज करके इसका सॉल्व करना है, तो प्रॉपर्टी टू कौन सा था, मतलब हम बताते हैं इन्होंने किस तरह से सॉल्व किया है, तो प्रॉपर्टी टू जो है उस पर एक बार चलते हैं, मतलब कंप्लीमेंट्री वाला, ठीक है, ये वाला एन प्लस वन जो मैंने लिखवाया, एन प्लस वन सी आर इक्वल टू एन सी आर एन सी आर माइनस वन, तो हम लोग ढूंढते हैं कि यहाँ पर हर जगह पे देखो एन यही वाला है, अगर तुम लोग देखोगे यहाँ पर ऊपर हर जगह पे एन माइनस टू है, एन माइनस टू है, एन माइनस टू है, यहाँ भी एन माइनस टू, यहाँ भी एन माइनस, क्योंकि ये वाला जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर, ये देखो दोनों जगह पे n है, ये n प्लस वन है, इसका छोड़ो अभी, ये दोनों जगह पे n है, मतलब हम लोग इधर की तरह सॉल्व करेंगे, तो ncr और ncr माइनस वन अगर कहीं होगा तो उसको हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है, तो अब हम लोग ढूंढेंगे ncr कहीं पर है, तो n मतलब है n माइनस टू, और r मतलब है पहला वाला r माइनस टू, ठीक है, अच्छा अब ncr का मतलब n माइनस टू सी आर माइनस टू, अब बोल रहा है ncr और ncr माइनस वन होना चाहिए, अगर r का r माइनस वन होगा तो r की जगह r माइनस टू लिखो माइनस वन, तो ये r माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है, r माइनस थ्री हो जाएगा, तो चेक करते हैं कैसे करके होगा, यहाँ पर कंबाइन तो करना पड़ेगा ना, आर माइनस वन ये रहा आर माइनस, अच्छा ये दो हो सकता है, ये देखो ये दो हो सकता है, एन सी आर एन सी आर माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर एन के जगह एन माइनस टू है, ठीक है, ये हम लोग मान के चल सकते हैं, और ये दोनों में हो सकता है, ये दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है, ये दोनों में हो सकता है, क्यों ऐसा होगा, हम पास पास लिखते हैं समझ में आ जाएगा, हम ऐसे लिखते हैं n माइनस टू सी आर माइनस टू, एन माइनस टू सी आर माइनस वन, एन माइनस टू सी आर माइनस वन और एन माइनस टू सी आर, ठीक है, अच्छा अब ये दोनों को एक जगह पे देखो, ये दोनों को एक जैसे देखो तो अच्छे से समझ में आएगा, अभी अभी हम लोगों ने जो यहाँ पर फॉर्मूला देखा ncr ncr माइनस वन, तो ये अगर n है तो ncr और ncr माइनस वन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n प्लस वन सी आर, तो n प्लस वन, तो यहाँ पर n के जगह है n माइनस टू, एन प्लस वन सी आर,
आर लिख दिया, ठीक है, आर माइनस वन और आर में आर लिखना है, और यहां पर ये एन है तो फिर से एन प्लस वन, ठीक है, और सी आर लिखेंगे तो यहां पर कौन सा आर होगा, एक है आर माइनस टू, एक है आर माइनस वन, मतलब कैसे हुआ है, एक्चुअली क्या हो रहा है, यहां पर आर है और दूसरा आर माइनस वन होना चाहिए, तो यहां पर आर का मतलब है आर माइनस वन और आर माइनस वन का मतलब आर माइनस वन माइनस वन यानी आर माइनस टू, तो आर माइनस टू जो है R, actually R का formation R minus 1 है और R minus 1 का formation R minus 2 है, ठीक है, R minus 1 का formation R minus 2 है, तो यहां पर इसको हम लोग फिर कैसे लिखेंगे, ये हो गया हम लोग का n माइनस टू, ठीक है, प्लस वन, ये क्यों लिखा हम लोगों ने, क्योंकि n प्लस वन होता है c और r, तो इसका मतलब r का वैल्यू यहाँ पर r माइनस वन है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, n माइनस टू प्लस वन मतलब n माइनस वन c r माइनस वन, ये भी n माइनस वन c r, मतलब अगेन हो गया n माइनस वन सी आर और n माइनस वन सी आर माइनस वन, और इसको हम लोग कंबाइनली क्या बोलते हैं, n प्लस वन सी आर, ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये n सी आर निकल के आएगा, अब देखो यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला था, लेकिन हाँ थोड़ा टफ है, हम जरूर बोलेंगे ये टफ है, इसको इग्नोर चाहो तो कर सकते हो, हम अभी भी बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये तुम लोग को करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ एक है तो मैंने इसीलिए दिखा दिया क्योंकि प्रूफ जो है वो नॉर्मली नहीं आता है प्रूफ के तौर पर, ठीक है, हाँ ऑप्शन में आ सकता है कि इसका वैल्यू ये होगा कि नहीं, कभी कभार ऐसे अगर देखो वैसे देना नहीं चाहिए, हम तो प्रेफर नहीं करते क्योंकि वन मार्क के लिए इतना सारा मेहनत का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है तो फॉर्मूला यहाँ पर अगर हम लोग सोच सकते हैं कि किसके बदले किसे सब्स्टिट्यूट किया गया है, जैसे यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा है हम लोग का, हर जगह पे ना ये वाला फॉर्मूला लगा है, तो ये प्रैक्टिस करने से क्या होगा, हम लोग का फॉर्मूला याद आ जाएगा, ये देखो एन सी आर और एन सी आर माइनस वन, इसी फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से यहाँ पर अप्लाई किया है हम लोगों ने, तो यहाँ पर जब हम लोगों ने इस चीजों को स्प्लिट किया, हर जगह पे n का वैल्यू n माइनस टू था, ठीक है, n का वैल्यू n माइनस टू था, और एक जगह देखो r था एक जगह r माइनस वन था, तो वो दोनों को मैंने एक जगह लिखा, ये दोनों को एक जगह लिखा, अब n के जगह n माइनस टू, तो ये देखो ये फॉर्मेशन आ गया ncr ncr माइनस वन, उसके जगह है n माइनस टू cr n माइनस टू cr माइनस वन, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा n प्लस वन cr, ठीक है, तो अब r को r लिख दिया और n माइनस टू तो ये n है, तो n प्लस वन लिखना पड़ेगा, तो n माइनस टू प्लस वन लिखना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने से n माइनस वन आएगा, ये देखो इसको सॉल्व करने से n माइनस वन आ गया, और ये वाला जो है यहाँ पर n का वैल्यू n माइनस टू, तो n प्लस वन सी आर, अब यहाँ पर r क्या है, यहाँ पर r देखो एक जगह पे है r माइनस टू, यहाँ पर r माइनस वन, तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट, देखो r और r माइनस वन में स्मॉल कौन सा है, r माइनस वन है, ठीक है, r माइनस वन है और बिगेस्ट डेटा r है, क्योंकि r माइनस वन कम होगा, तो यहाँ पर ये दोनों में से जो है बिगेस्ट डेटा कौन है, r माइनस वन है, क्यों बताओ, क्योंकि r से एक हटाओगे जितना बचेगा, r से दो हटाओगे कम बचेगा, तो ये जो है r माइनस वन है, तो हमें क्या करना है, r ढूंढना है, फॉर्मूला लिखने के लिए r ढूंढना पड़ेगा, तो r कौन सा है जो स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, r माइनस सॉरी बिगेस्ट वैल्यू, ये r और r माइनस वन में ये बिगेस्ट वैल्यू है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, बिगेस्ट वैल्यू, ये दोनों में बिगेस्ट वैल्यू कौन सा है, r माइनस वन, तो ये देखो r माइनस वन, ये क्या हुआ ना, ये करवा के ऐसे तुम लोग सोच सकते हो जब हमें एग्जाम में ऐसा करना नहीं है तो मैम क्यों करवा रही है, इससे तुम लोगों का कुछ नहीं, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, दिमाग में ये फॉर्मूला चला जाएगा कि कहीं पर किसी और तरीके से यूज करना हो तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, फिर देखो यहाँ पर ये सॉल्व हो गया, अब ये सॉल्व करके n माइनस वन सी आर माइनस वन n माइनस वन सी आर और r माइनस वन में जो बिगेस्ट डेटा है वो r होता है, तो ये देखो r लिखा गया और n को n प्लस वन के बेसिस पे लिखना है, तो ये n निकल के आ गया, तो प्रूव हो गया राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया, ठीक है, अच्छा इसके बाद एग्जाम्पल 13 ये करके दिखा देते, एग्जाम्पल 13 इसमें क्या बोला है, यहाँ पर 28C2R, 28C2R is to 24C2R minus 1, 2R minus 4, अच्छा 2R minus 4 equal to 225 is to
11, ठीक है, हमें बोला है फाइंड आर, आर फाइंड आउट करने के लिए. तो इसके लिए हम लोग ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, हम लोगों को आर का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, हम लोग उसे यूज कर लेंगे. तो आर का ऑप्शन है 7, 7 से चेक करके देख लेते हैं, सिंपल. ठीक है, तो ये देखो 28c 7 into 2, तो ये हो जाएगा 28c 14. ठीक है, तो 28 में से 14 चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब है कितने चीजों को रिजेक्ट करना, 14 चीजों को ही रिजेक्ट करना. अब यहाँ पर देखो कंप्लीमेंट्री करोगे तो भी 14 आएगा. तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो शायद मुझे लगता है जल्दी हो जाए. ठीक है, ये एक ही बात है, अगर तुम लोग 14 से भी लिखोगे नॉर्मल जो हम लोगों ने सीखा है, 14 यहाँ पर हो जाएगा 14 13 12, ऐसे करके भी कर सकते हो, क्योंकि कंप्लीमेंट्री करके भी तो हमें कोई फायदा नहीं है, कंप्लीमेंट्री में भी 14 ही आने वाला है. तो 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. अब हम लिखते हैं तो टाइम लगता है, लेकिन जब तुम लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा तब एग्जाम में लिखना जरूरी थोड़ी ना है. तुम लोग ऐसा फटाफट कैलकुलेटर लोगे, 28 से पहले यहाँ चेक कर लोगे कितना सारा फैक्टर लिखना पड़ा, 14 से लेके 1 यानी 14 फैक्टर्स. तो 28 27 2 26 3 25 4 24, ऐसे करके लिख सकते हैं. 4 हो गया, काउंट शायद मिस्टेक हो गया, एक मिनट लिख लेते. 28 27 26 25 24 23 22 21 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ है, 8 9 9 10 11 12 13 14. ठीक है, ऐसे होगा. अच्छा, अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो तरीका है, या तो यहाँ पर कैलकुलेशन करके देखो, या फिर सबसे आसान तरीका है मल्टीप्लाई कर लो 28 ऐसे करके, 28 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15. ठीक है, अगर तुम लोगों के कैलकुलेटर में इतना सपोर्ट नहीं करता, मेरे वाले में भी नहीं किया, एरर दिखा दिया, तो इसका दूसरा तरीका है. देखो ये अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो ऐसे करके कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 28 into 20 ऐसे कर लो फिर, या तो ऐसे कर लो, या तो डिवाइड करते जाओ, जैसे 28 27 दो डेटा ले लिया, नीचे के दो डेटा से डिवाइड कर दो, 14 से डिवाइड कर दो, तो ऑटोमेटिकली कम होते जाएगा, या फिर ऐसे करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा. ठीक है, कोई भी एक तरीका. तो ये हो गया. अच्छा, यहाँ पर 11 2, अच्छा और क्या कैंसिल आउट हो सकता है, 4 4 4, ठीक है, 3 5 2 9 9 9 8 ये है 10 2 2 2 कैंसिल आउट, 8 2 2 4 2 8, ये 8 से कैंसिल आउट हो गया, 7 3 3 2, अच्छा और 2 से कहीं कैंसिल आउट होगा, 2 8. ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, देखो 27 कैलकुलेट करते हैं, 27 नीचे तो सारा कैंसिल आउट कर दिया मैंने, 27 है, 27 23 19 और 17 8 और 5, तो कुछ इतना वैल्यू निकल के आ रहा है, काफी ज्यादा है, 80 23 320. ठीक है, और यहाँ पर ये वाला देखना है, 24C 2R-4, तो 24C 2R मतलब ये हो गया 14-4 हो जाएगा, क्योंकि 7 आंसर है, तो 14-4 10 हो जाता है, 24C 10. ठीक है, तो ये 10 ही रखेंगे, कंप्लीमेंट्री करेंगे तो ज्यादा डेटा निकल के आएगा, 14 डेटा निकल के आएगा, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और ये हो गया 24 23 22 21 20 19 18 17. कितना लिखना पड़ेगा, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक चाहिए, 16. ठीक है, अच्छा तो ये 10 2 20
8 2 16 2 2, ये 4 से कैंसिल आउट, 6 और ये 4 से कैंसिल आउट, ये 2 से कैंसिल आउट, 5 किसी से कैंसिल आउट नहीं हुआ, अच्छा 3 into 2 6, 2 2 3 7, 7 और 7 ये 5 किसी से नहीं कैंसिल आउट हो रहा है, चेक करते हैं फिर कितना आ रहा है, 4 into 23 into 22 into 19 into 17, जितना भी आया डिवाइडेड बाई 5 आ रहा है, मतलब 6 5 3 7 5 2 डिवाइडेड बाई 5 आ रहा है, ये पॉइंट में आ जा रहा है, इसे डिवाइडेड बाई 5 रहने देते हैं। हमें क्या करना है, हमें रेशियोज निकालना है, 2 to 5 is to 11, ठीक है, देखते हैं क्या निकल के आया हम लोग का, ये वाला 80 23 320, ठीक है, इस टू 6 5 3 7 5 2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, अब 5 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका है, दोनों साइड को हमें बराबर करना चाहिए, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड बाई 5, यहाँ भी मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा, तो ये तो एज इट इज रह जाएगा 6 5 3 7 5 2 और यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 5, 80 23 320 into 5, तो ये वैल्यू निकल के आ रहा है 4011 6600, ठीक है। अब हमें आंसर क्या दिया है, देखो आंसर दिया है यहाँ पर 2 to 5 और 11, इसको 2 to 5 से डिवाइड करके देखते हैं कितने से मैच होता है, इतने से, ठीक है, ये 2 to 5 तब होगा अगर हम लोग ये वैल्यू को इतने से डिवाइड करेंगे, तो सेम यही वाला वैल्यू 178296 इसको अगर हम लोग इससे डिवाइड करते 6 5 3 7 5 2 178296 चेक करते कितना आता है, 3.66, नहीं तब कुछ गलत हो गया होगा, ठीक है, मुझे लगता है कुछ गलत हो गया है कैलकुलेशन में, इसी वजह से मैच नहीं हुआ, ठीक है, इसी वजह से मैच नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इसको हमें एक बार चेक करना पड़ेगा, तो तुम लोग एक बार चेक करके देख सकते हो, शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन गलत हुआ है, ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा, शायद ये गलत आया है यहाँ पर कैलकुलेशन, ऐसे करके देख सकते हो, या फिर ये जो है ये जो वैल्यूज है ना इसे रिवर्स करके कैंसिल आउट करके भी करोगे तो जल्दी हो जाएगा, कोई भी एक तरीके से कैलकुलेट करके देख सकते हो कि अगर ये रेशियोज फॉर्म में होगा, मतलब 28C4 और 14, ऐसे करके चेक करके देखो 28C14 और 24C10, इसको अगर हम लोग डिवाइड करते क्योंकि रेशियोज बोला है तो क्या आंसर आएगा, ठीक है, क्या आंसर आएगा, इसे कुछ अलग तरीके से सोचो ताकि ये इतना हेक्टिक ना हो, ये थोड़ा हेक्टिक हो गया, ठीक है, तो कुछ अलग तरीका सोच के रखो, ये तुम लोग को हम होमवर्क दे रहे हैं क्योंकि अभी और टाइम नहीं होगा इसको और से फिर से करवाने का देखने का, तो इसीलिए इसको हम होमवर्क दे रहे हैं, तुम लोग कोई आसान सा तरीका ढूंढो जिससे हमें आर इक्वल टू 7 निकल के आ जाए और हमें ज्यादा टाइम भी ना लगे, ऐसा कुछ तुम लोग सोचो और करके देखो, ठीक है, कि आर इक्वल टू 7 हो रहा है कि नहीं, तो हम लोग का अभी यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 14 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का लास्ट हो गया, तो नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल 14 से स्टार्ट करेंगे, आज इतना ही करते हैं। थैंक यू।